माला निकाल दो ना हाथ से। Hare Krishna.
प्रकृतुण्डम् महाकाय सूर्यकोटिसंप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव शुभकाय सुसर्वदा मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम एव निरंजन गुरु वाक्यम सदा सत्यम सत्यमे परम पद गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः मम दिव्यां वसो नित्यां ब्रह्मरूपा माता सरस्वती हृदय बुद्धिमान देवी हे माता सकल शास्त्र प्रकाश नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धि कुलारविंदा यत्र पत्र नेत्र एन तया भारत तेन प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदी नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जय उदीरत सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय कृष्णाय वयं नमः वसुदेव सुतदेव पंचकारण मर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरु लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं पारुण्यरूपं शिखरणाकरं श्रीरामचंद्रं चरणं प्रवदे मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातायवानरयुथं मुख्यं श्रीरामदूतं चरणं प्रवदे मंगलं भगवान् शंभो मंगलं वृषध्वज मंगलं पार्वतीनाथो मंगलाय तनोहर या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः आइए हनुमंत विराजी कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो आप पधारो पवन कुमार श्री गुरु चरण सरोज रज निज वरन कर सुधार वरन रघुवर विमल यशोदायक फलदार दीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुं लोक उजागर राम रूप
गणपति देवा मैं करूँ तुम्हारी सेवा।
Oh,
राधे राधे बोल, राधे
आदमी को कहीं देश में जाना हो, कोई परदेश जाना हो, तो एयरपोर्ट में 4 घंटे पहले पहुंचता है। कहीं और जाना तो ट्रेन में 2 घंटे पहले पहुंचता है। दवाखाने में जाना हो तो भी 2 घंटे पहले पहुंचता है। कहीं खाने की लाइन लगी हो तो 1 घंटे पहले खड़ा हो जाता है। और दुर्भाग्य कैसा है कि भगवान के भजन में आदमी आराम से आता है, जैसे बूढ़ा सांप चलता हो, क्योंकि मफत में है। और जो चीज मफत में होता है उसकी कीमत नहीं होती है सर। हमारे यहाँ भोजन की लाइन लगती है तो बोलते हैं यार हाथ धोने का किधर है, बोले क्यों हाथ बिगड़ा है, बोले आगे वाले के लोग पूछ ले, बोले आगे वाले को पता नहीं चलेगा, बोले तेरे को पता चला मैंने पूछ लिया। ये हालत है जमाने का, कहने का भाव कलयुग में भगवान के नाम की बहुत महिमा है, इसलिए हमने आपको कीर्तन कराया, करना चाहिए। क्योंकि भगवान शंकर कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, श्री राम जय राम जय राम, सुमर सुमर उतरो बहुमारा, श्री राम जय राम जय के भगवान के नाम के गुण की कीर्तन की महिमा बताई। भगवान के नाम की बहुत ताकत है। सतयुग में ध्यान करने से भगवान मिलते थे, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने से भगवान मिलते थे, द्वापर में विधि विधान से पूजा करने से भगवान मिलते थे। कलयुग में ना आप ध्यान कर सकते हो, ना तप कर सकते हो, ना बड़े बड़े यज्ञ कर सकते हो, ना विधि विधान से आप पूजा कर सकते हो, बस कलयुग एक भगवान का नाम है जितना हो सके। कोई भी शास्त्र रामायण पढ़िए तो राम को ही सब कुछ कहा है कि भगवान राम विष्णु के, ब्रह्मा के, शिव के पिता है, राम ही सब कुछ है। भागवत पढ़ो तो लिखा है भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। शिव पुराण पढ़ो तो इसमें लिखा है शिव ही सब कुछ है। और देवी भागवत पढ़ो तो लिखा है जगदम्बा ही सब कुछ है, माँ ने ही सब बनाया है। ये सब सत्य है, आपको जो राह आ जाए वो सत्य है। इसलिए भगवान के नाम की बड़ी ताकत है। आज मैं गीता लाया हूं, एक छोटा सा शास्त्र है, इसमें लिखा है कि योगा अलग चीज है, योगा शरीर के लिए है। योगा माने कसरत, व्यायाम। आपके बाप दादा को पूछो, सुमन माँ को पूछो, 40 साल पहले योगा नाम सुना था किसी ने? क्योंकि योगा ऋषि मुनि करते थे और ब्रह्मचारी लोग, साधु लोग, और जो निवृत्त थे, जो आदमी सुबह शाम तक मजदूरी करता है, जिसको टाइम नहीं उसको कहो योगा करो, क्योंकि वो इतना दिन भर मेहनत करता है, उसका वही योगा हो जाता है। योगा करना चाहिए, बुरी बात नहीं है, पर योगा शरीर के लिए है, आत्मा से कोई लेना देना नहीं। आत्मा के लिए योग है, कृष्ण कहता योग। योग में शांति से बैठना होता है, टट्टार होकर अपनी नासिका पर देखते हुए आंखें आधी खुली रखना पड़ता है, और फिर भगवान का नाम लेते लेते ध्यान करो, बड़ी शांति मिलेगी, जल्दी ध्यान लगेगा। तुम खाली ध्यान करोगे, भगवान का नाम नहीं लोगे तो ध्यान नहीं लग सकता है, तुम्हारा मन कहीं भटकने लग जाएगा, वो तो लोगों को पता ही चलेगा तुम ध्यान में बैठे। योग
भगवान को मिलने का नाम है, योगा शरीर का है, करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने रोते थे तो उद्धव ने कहा, प्रभु तुम तो गवाल थे गोकुल में, वृंदावन में गायों चरते थे, खुले पैर में कपड़े भी नहीं थे पहनने को सीने का, उन गरीब बच्चों के साथ में तुमने जिया जीवन, उन गवालों के साथ, यहाँ तो इतने नौकर है चाकर है, क्या कमी है, फिर भी क्यों रो रहे हो? तो भगवान कृष्ण कहता है, हे उद्धव मुझे मेरी यशोदा माया बहुत आवे, मुझे मेरी यशोदा माया बहुत आवे, मुझे मेरे नंद बाबा याद बहुत आवे, मुझे मेरे नंद बाबा याद बहुत आवे, याद बहुत आए मेरे मन को रुलावे, याद मेरी गौ माता याद बहुत आए, मुझे मेरी गोपियों याद बहुत आए, मुझे मेरी गोपियों याद बहुत आए, ओ याद बहुत आए मुझे नींद न आवे, याद बहुत आए मुझे नींद न आवे, मुझे मेरा वृंदावन सुन रही है। अभी हमारी कथा पूरी होते होते 800 आदमी देखते हैं, अफ्रीका कैनेडा मुंबसा टांजनिया कंपाला अरुषा झींजा टांगा यूरोप में कई देशों में जहां जहां मेरी कथा हुई है, मेरे गुरुदेव की कृपा है, आपको कहा अच्छा नहीं लगता होगा, हम लोग जो शास्त्रों में लिखा वही बोलते हैं, दुनियादारी तो आप टीवी में देखते हैं और लोग भी आपको सुनाते हैं, ये तो भगवान की कथा है, ये कथा हमारा जीवन है, कथा हमारा लक्ष्य है, कथा हमारा कौरा है, ये कथा हमारी रोजी रोटी नहीं है, ये कोई नाचने गाने की कथा नहीं है, ये कोई मनोरंजन नहीं है, ये कथा आपके और मेरी 3 घंटे का तप है, मैं इन कथा द्वारा आपकी पूजा करता हूँ और ये कथा आपके अंदर बैठे परमात्मा और इन मूर्तियों को सुना रहा है, इसलिए कथा भगवान की सुनते सुनते अगर हमारे आंख में आंसू भी आ जाए, कथा का शब्द कोई हमारे याद रह जाए, तो भगवान को मिलने में देर नहीं है साहब। भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव उन अनपढ़ गवार गोपिया अनपढ़ गवार मेरे मित्र मुझे याद आते, जो सुख गांव में है ऐसा शहरों में नहीं है, गोकुल इसको कहते हैं जहां शांति है, जहां नेत्र खाना पीना मिलता है, जहां प्रेम है कपट नहीं है, इसलिए उद्धव मुझे गोपिया बहुत याद आती है, मेरे नंद बाबा यशोदा माँ मेरी गौ माता मुझे याद आती है, खास करके गोपियों को जब मैं याद करता हूं तो मुझे नींद नहीं आती, भोजन नहीं पाता है, जब मेरी माँ थाली में माखन पिरसती है मक्खन को देख के मुझे गोपिया याद आती है। उद्धव कहता है, इसके क्या बड़ी बात, मैं पढ़ा लिखा हूं तुम्हारे गोपियों को मैं समझा जाता यूं समझा जाता, बोले मैं चाहता हूं क्योंकि मैंने कहा था मैं आऊंगा, गया नहीं, पता नहीं क्या हाल होगा, वो लोग मुझे एक दिन देखते नहीं तो खाते नहीं थे, आज कितना दिन हो गया, ले मेरे कपड़े पहन जा, ये मेरे सोने का रथ ले जा, मेरे कपड़े पहन कर जा ताकि तुम्हारे से कोई बात करेगा नहीं तो कोई बात नहीं करेगा। उद्धव को अपने पढ़े लिखे का अभिमान था, यहाँ पढ़े लिखे को कोई भगवान मिला ऐसा कोई शास्त्र नहीं लिखा नहीं है, ईश्वर जिसको मिला अनपढ़ को मिला है, पढ़े लिखे को अपना अभिमान होता है मैं कुछ हूं ईगो, और भगवान अभिमानियों को मिलता नहीं है। भगवान की सेवा करना आसान है, एक हाथी को बांधना आसान है, पर कोई गुरु सदगुरु की सेवा करना बड़ा कठिन है, जीते जी माता पिता की सेवा करना बहुत कठिन, मरने के बाद तो सब अगरबत्ती जलाते हैं और जो आके कहते हैं मेरे पिताजी थे बहुत अच्छे थे, तो कांच में बैठा बैठा बोलते हैं बाहर निकलते तेरे को लात मारनी चाहिए, जीते जी पानी नहीं पाया तो बोलता मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, इसलिए सेवा जीते जी की है, गुरु की सेवा अभिमानी नहीं कर सकता, माता पिता की सेवा अभिमानी नहीं कर सकता, भगवान की सेवा अभिमानी नहीं कर सकता, अभिमानी नहीं करते, अभिमान होता है वो संतों के साथ भी नहीं रहता है, क्योंकि मैं ये दास हनुमान जी का दास है
और हम लोग ना अभिमान करते हैं, ना हमारी अभिमानी से बनती है, ना अभिमानी के साथ हम रहते हैं, कितना भी बड़ा हो, कितना भी कोई दान पुण्य करता हो, क्योंकि अभिमान जब तक होगा आपका दान पुण्य व्रत भजन कीर्तन नहीं फलेगा। हनुमान जी की पूजा इसलिए होती है, उसने मान और अभिमान की चटनी बना के खा गया, इसलिए उसको कहते हैं हनुमान जी महाराज की जय। जय बुलाते हैं, बोलो भाई सब संतों जय। आपने कभी सोचा संतों की जय क्यों बोलते भाई? हमारे माँ बाप की जय, विद्वानों की नहीं, करोड़पतियों की नहीं, संतों की क्यों? क्योंकि संत का जीवन परोपकार का होता है। इसलिए यानी कहीं वर्ल्ड में चले जाओ, जब भी जय बोली जाएगी तो संतों की जय बोली जाती है, धर्म की जय बोली जाती है, सारे विश्व की जय बोली जाती है, कोई जाति की जय नहीं बोली जाती, क्योंकि जाति से कोई महान नहीं होता है। देख लो ये लोग हमारे सनातन धर्म में रंग गए, ये जो भक्ति करते वो जो करते वो हम नहीं कर सकते, हम नाटक कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं ना हम नहीं कर सकते। और आप वृंदावन में जाइए साहब, अरे हरे कृष्ण मंदिर है यहाँ जाइए, जब ये साड़ी में दिखती है तो लगता है कि साक्षात राधा रानी है, शोभा है साहब, क्योंकि हमारा जीवन हमारा चरित्र कुछ मनुष्य जैसा होना चाहिए। पशु पक्षी और मनुष्य इकट्ठे हो गए तो पशु पक्षी मनुष्य की मजाक करने लगे, बताओ तुम्हारे हमारे क्या फर्क है? अब कपड़ा नहीं पहनते हैं, नंगे रहते हैं, फिर भी अच्छे लगते हैं, कौन कहता है? पशु पक्षी। और तुम कपड़े पहनते हो तभी अच्छे लगते, नंगे में तुम भी अच्छे नहीं लगते हो, मनुष्य को कहते हैं। फिर हम तुम्हारी तरह बेईमानी नहीं करते हैं, किसी को लूटते नहीं है, झूठ नहीं बोलते हैं, किसी की निंदा नहीं करते, किसी की ईर्ष्या नहीं करते, तुम्हारा का धंधा यही है, तुम्हारे मन में फर्क क्या? तुम खाते हो भी खाते, तुम सोते हो भी सोते, तुम संतान को पैदा करते हो बड़े करते हो, हम भी करते करते हैं, तो फर्क क्या है? तभी इंसान कहता है सब हमारी तुम्हारी बराबरी है, और हम भगवान का भजन कर सकते हैं, बस वहां पशु पक्षी रोक पड़े। ये बात तो सही है, तुम्हारा भी यही खासियत है कि तुम भगवान को पा सकते हो, भगवान का भजन कर सकते हो, हमारे व्यवसाय ताकत नहीं है, बस हमारी मनुष्य की महानता है। अगर हम भगवान का भजन करें तो ये मनुष्य नहीं तो हमारे पशु पक्षी से भी गुजर गए हैं, पशु पक्षी हमसे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि भगवान व्यास कहते हैं मनुष्यानाम पशुनानाम मृगाचरन्ति समानन्ते, पशु पक्षी में मनुष्य में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क इतना है कि मनुष्य परमात्मा को पा सकता है, मनुष्य को बुद्धि दी है, मनुष्य कितना भाग्यशाली भगवान ने हाथ दिया है, मनुष्य को छोड़कर सब जीव मुंह से काम लेते हैं, अपने मुंह से गंदगी साफ करते हैं, अपने अपने बच्चों की, है ना भाई पशु पक्षी, और ईश्वर ने मानव को हाथ दिया है, इसका मतलब खाने पीने का कमाने का खाली इतना नहीं है, हाथ क्यों मिला है? भगवान की सेवा करने का, अगर इन हाथों से भगवान की सेवा ना हो तो हाथ क्या काम का? पशु पक्षी को हाथ नहीं है, उनको हमसे बड़े लंबे लंबे कान है, और वो बेचारे कथा नहीं सुन सकते, यहां बिठाओ वो बैठ जाएगा, बहुत बांध तो खड़ा रहेगा, वो कथा से कोई मतलब नहीं, और ईश्वर ने आपको छोटे छोटे कान दिए कि वो कथा सुने, और भगवान जानते थे कि बेचारे कलयुग में कान नहीं हो तो चश्मा कहाँ लगाएंगे, अगर कान नहीं होते तो चश्मा कहाँ लगाते, आप सारा सोचिए आपके शरीर की कीमत कितना है, यहाँ तो पता नहीं भारत में लोग अपनी कितनी बेच रहे हैं, अपने बच्चों के लिए अपने जीवन के लिए लोग अपने खून बेच रहे हैं, अपने लीवर बेच रहे हैं, अपनी आंखें बेच रहे हैं, इतना मतलब आपके शरीर की कितनी कीमत है आपने कभी नहीं सोचा। कृष्ण कहता है अनमोल है तुम्हारा शरीर, जिसे कोई कीमत नहीं कर सकता, अगर मेरा भजन न करो तो शरीर तुम्हारा दो कौड़ी का है, जला देंगे तो राख हो जाएगी, गाड़ देंगे तो मट्टी बन जाएगी, और जानवर खा जाएंगे तो विष्ठा बन जाएगा, है क्या इस मट्टी के पुतले में? फिर भी ये माटी का पुतला कितना अभिमान करता, मैं कुछ मैं करता हूं, अपने आप को क्या समझता, इसलिए जानवरों में और मनुष्य में ज्यादा फर्क नहीं, अगर मनुष्य भगवान का भजन न करे, दूसरे को काम न आवे, सत्कर्म न करे, दूसरे के लिए कुछ जीवन जीवे नहीं, तो मनुष्य और पशु पक्षी फर्क नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं उद्धव तुम वृंदावन जाओ, भगवान जी कपड़े पहनकर उद्धव आता है, गोपियों को पता चला भगवान आए, सब दौड़ पड़े, उद्धव को देखा तो सब कहने लगे तो कोई बहिरूपिया है, अरे हमारे कन्या का वस्त्र पहन कर आया, कौन है तू?
उद्धव ने कहा मैं कृष्ण का मित्र हूँ, कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ। सब रो पड़े, गोपिया गोपाल हमारा कन्या का संदेश लेकर आया, बताओ हमारा कन्या कैसा है। उद्धव कहते बहुत अच्छा है कन्या तुम्हारे लिए, कहता कन्या साक्षात भगवान है, भगवान आपके पास है, आपके अंदर है, प्रणाम करो योगा करो। गोपिया खड़खड़ाहट हंस पड़ी कि वो शहर वाले को समझाना, हम तो गांव वाली है, 4 बजे उठती है, गाय धोती है, गोबर उठाती है, पति जाग जाता है उसके लिए व्यवस्था करते हैं नहाने धोने की, बच्चे जाग जाते हैं उसको नाला धोला देते हैं, फिर गायों को धो लेते हैं, बच्चे जाते हैं तो उसको भोजन बना के दे देते हैं, फिर सासू ससुरा खड़े होते हैं उनकी सेवा करते हैं, सब खा पी के सुटे हो जाए तो फिर वासीदा करते हैं, पोते लगाते हैं, कपड़े धोते हैं, दोपहर बन जाता है, भोजन बनाते फिर खिलाते हैं, फिर बर्तन मानते हैं, फिर थोड़ा आराम कर लेते, फिर 4 बजे रसोई की तैयारी करते हैं, 7 बजे खिला देते हैं, सबको सुला देते हैं, फिर हम सो जाते हैं। हमारा योगा यही है, योग भगवान को मिलने का। कृष्ण गीता में 6ठे अध्याय में 42 बार योग योग की बात करी। योग माने प्राणायाम, योग माने आसन, योग माने भगवान का भजन, योग माने भगवान से प्रेम करना। गोपियों ने ऐसे योग के बारे में बताया, उद्धव ने पैर पकड़ लिया, ओहो मैं तो आपको योगा सिखाने आया था। बोले योगा शरीर के लिए करना चाहिए, शरीर के लिए है, पर योग योग का अर्थ होता है भगवान को मिलना, भगवान से पाना, भगवान से देखो योग है हमारा, आप मिले इसको योग कहते हैं, मिले ना योग। अब भगवान से मिलने का योग बन जाए तो बेड़ा पार लग जाए। उद्धव ने गोपियों के पैर पकड़ लिए, क्षमा करना हमको पता नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा था, मैं तो आपको उपदेश देने आया, योगा सिखाने आया था, आपने मुझे योग बताया, आज से तुम मेरे गुरु और मैं तुम्हारा शिष्य। 3 दिन के लिए उद्धव आया था, सारा अभिमान उतर गया और 6 महीने तक पागलों की तरह गोपियों के चरणों में पड़ा रहा। और जब भगवान के पास आया, कृष्ण ने कहा क्या हुआ मित्र? उद्धव बहुत रोया है, धन्य वो भवान अनपढ़ गोपिया, धिकार है मुझे पढ़े लिखे को, हे कृष्ण वो तुम्हें पा गई, तुम्हें जान गई, क्योंकि उसके पास योग है, मेरे पास योगा है, योगा करो शरीर के लिए, पर योग करो। योगा करने के लिए किसी को 3 घंटा कहोगे करेगा, पर किसी को बहुत 3 घंटा माला पर कमर में दुखता है, किसी को कहोगे भगवान का भजन कर नहीं करेगा, क्योंकि योग है, योग सब नहीं कर सकते, योगा सब कोई कर सकता है। इसलिए हमारे सदगुरु कहते थे, मैं भी करने लग गया, तब तो टीवियां नहीं थी, 40 साल पहले नेपाल में मैं रहता था, मेरे गुरु को मैंने देखा था, कभी कभी शीर्षासन करते थे, वो भजन करते थे, सोपारी के पर, जो सोपारी होते उसके पर माथा रखते थे सोपारी पे, 3-3 घंटा, और मैं सुनता था तो उसके अंदर से आवाज आती थी, ओ नमः शिवाय, मैं करने गया तो अभी तक कमर टूटी हुई है, क्योंकि देखा कि किसी की नकल करो तो ठीक है, योगा एक शरीर का करना चाहिए, क्योंकि सारे देश में आज चल रहा है, मैं बोलूंगा कोई सुनेगा नहीं, पर किसी को कहो तुम 3 घंटा माला करो, 3 घंटा भजन करो, 3 घंटा भगवान की सेवा करो, ये नहीं होगा। किसी को कहो कथा में चलो तो बोलेगा हमको कमर दुखता है, उसको बोलो आज तुम्हारा स्वागत है, 2 घंटे पहले बैठेगा, स्वागत की बात आएगी। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, और गोपियों ने ऐसा उद्धव को ज्ञान दिया कि तेरे कन्या को बोलना तू भले चला गया, और तेरी कथा हमारा जीवन है। तब कथामृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम श्री मुदा जयति ते अधि जन्म नाव्रज सयत इंदिरा सासयता। गोपिया कहती है हे कन्या तेरी कथा हमारा जीवन का आधार। गोपियों ने संस्कृत में गोपी गीत गाया है, कलयुग में न समझ सके इसलिए गोपी फिर मीरा, अगले जन्म की गोपी थी वो कलयुग में मीरा बनकर आई है आपको और मेरे को जगाने के लिए, और उसने कहा कि अगले जन्म में गोपी थी, मैंने संस्कृत में गोपी गीत गाया, आपको अंग्रेजी आता पर संस्कृत में आपका कोई रस नहीं है, पर संस्कृति हमारी देव भाषा है, संस्कृति हमारी मातृभाषा, आपको एक श्लोक भी आ जाए बहुत अच्छा है, देखो इस बच्चे को इस माँ ने कितना सिखाया है, ये संस्कार है। स्कूल कॉलेज तुमको शिक्षा दे सकता है, संस्कार तो आपको देना पड़ेगा। देखो एक बच्ची को 9 साल की थी तब मैं देख रहा हूँ कपड़े पहनती थी साड़ी में, 14 साल से मैं देख रहा हूँ दीक्षा देकर, देखो आपको लगता होगा इसमें अभिमान नहीं, अभिमान नहीं,
अरे वो लंदन में कथा कही तो माए ने ऐसा बोला कि जो 5-5 pounds देने वाले थे उसने कहा बेटी काश हमारी बच्ची ऐसी होती, हर बूढ़े चाहते हैं। तो जो 5-5 देने वाले 50-50 pounds 100-100 pounds बहुत लोगों ने दिए बच्ची को, और मैं कथा कर रहा हूँ जो 5-5 pounds पकड़ा देते। मैंने 3-3 घंटा बोला, मैंने इसने 5-5 मिनट बोला, सब माता खुश हो गई। अरे इन भाइयों ने इतना दिया साहब, इन भाइयों ने दिया के लिए वाहवानी एक ऊर्जा की बात है। इसलिए हम लोग अभिमान नहीं करते। साधु संत गुरु सज्जन विनानी महापुरुष अभिमानी नहीं होते, और जो अभिमानी होते हैं वो ईश्वर से बहुत कोसों दूर है। इसलिए किसी का अपमान न करो साहब, किसी को चिड़ो नहीं, किसी के देखकर जलन न करो। चैरिटी तो इनकी पहले से चल रही थी, रामदाल माता इसके पिताजी ने बनाई थी, घर में मंदिर है, वो चैरिटी बना के जो भी आते थे वो अफ्रीका में भारत में देते थे। तो मेरी सीध आश्रम में 15 साल पहले कथा थी, वो लोग आए और फिर गुजरात आए, देखा सब, तो तब से वो चैरिटी में सेवा करने लगे। फिर हमारे कुछ भगत लोग थे वो चैरिटी बनाने गए ब्रह्मिका में, ऑफिस में लड़ पड़े, और माए भी थी और उसने मांगा इतना तो सब लोग, और फिर बहन को बोले लड़कियां क्या कर सकती है चैरिटी फैरिटी, तो उसने माँ के सामने आंसू बहाया, बोलते दिखा दे तू, तो उसने इतना खर्चा करके खुद ने चैरिटी बनाई, हमारी कोई चैरिटी नहीं, अपनी कंपनी पर भरोसा कर। और 2-4 हमारे जैसे वर्ग थे ऐसे झगड़े तो बेचारे की दशा बिगड़ती माँ भी की। इसलिए गोरे लोग रखे हैं वो लोग चैरिटी में है, सभी साफ करते हैं, जो आता है चैरिटी में डालते हैं। फिर भारत में मैं ऐसे पूछ नहीं ले जाता हूँ, क्योंकि मैं कानून विरुद्ध कोई काम नहीं करता, मुझे कानून से बहुत सख्त प्यार है। मैं 15 साल से आता हूँ, कभी 6 महीना नहीं रहा, 5 महीना हो जाएगा अतुल भाई में छोड़ देता हूँ देश। मेरी कथा थी क्रोनट्री में, उन लोगों ने मुझे बहुत काम है, पहले कथा करके बहुत पैसे इकट्ठे कर दिए मंदिर के लिए, और फिर मेरे को बोले क्या कर, मैं ना मेरा साइन हो गया, बोले मैं लिख के देता हूँ, एक नारायण संता का भाई था बोले मैं लिख के देता हूँ, गवर्नमेंट ने लिखा लेता हूँ, बोला नहीं मेरा काम तो, मैं 5 महीने में देश छोड़ देता हूँ, किसी भी देश में जाओ सर, हम कानून से विरुद्ध नहीं चलते, और जिस देश में रहते वो देश की निंदा नहीं करते, यहाँ के जो लोग हैं उनका जीवन ठीक है, मेरा किसी का निंदा करने का क्या अधिकार है सर। मैं तो अपने देश का गुणगान गाता हूँ, अपने शास्त्रों का गुणगान गाता हूँ, अपने धर्म का संदेश आपके तक लाया हूँ, मेरा और कोई काम नहीं, मेरा एक ही काम है, बड़ी दूर से आए संदेशा राम का लाए, बड़ी दूर से आए संदेशा राम का लाए, अपना लो चाहे टुकरा दो संदेशा राम का लाए, टुकरा दो या अपना लो संदेशा राम का लाए, बड़ी दूर से आए संदेशा राम का लाए, कोई तो अपना होगा जो हमें तो अपना समझेगा, कोई तो ऐसा होगा जो हमें तो अपना समझेगा, हमें वो अपना समझेगा, ये सपना दिल में सजाए है संदेशा राम का लाए, इतना भयंकर अपमान करता है, हनुमान जी को बड़ा क्रोध आ गया, इसको भी मार डालो, पर सोचा नहीं नहीं मेरे राम ने मारने को नहीं कहा। और जब रावण चला गया, सीता माता मरने को तैयार हो गई, आकाश के सामने देखा कोई तारा गिरो तो मैं जल जाऊं, तब हनुमान जी ने यह भजन गाया, बड़ी दूर से आए, तब सीता जी ने चारों तरफ देखा और तब भगवान राम की मुद्रिका दी। तो ये हनुमान जी का गीत है, जो आजकल जो आप सुन रहे हैं वो संसार को रिझाने की, हम लोग कोई भजन कीर्तन
संसार को रिझाने के लिए नहीं गाते, इनको रिझाने के लिए गाते, क्योंकि हम इसके लिए बाबा बने हैं, आपके लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, मांगने खाने के लिए नहीं, रुपया इकट्ठा करने के लिए नहीं, हमारा कोई बैंक बैलेंस नहीं है, हमारी सात संस्था है अतुल भाई साहब, छोटी छोटी, हमारा कोई बैंक नहीं, मैं मर जाऊंगा तो मेरे चेले को भंडारा करना पड़ेगा कि मेरा गुरु चला गया, भंडारा करना कुछ दो, ऐसा कौन सा मंदिर, ऐसा कौन सा बाबा है जिसके पास बैंक बैलेंस तो हो, ऐसा कौन सा तुम्हारा गुरु है जिसके पास बैंक बैलेंस न हो, हमारा तपास करो साहब, वर्षों से बोलते आए क्योंकि हम खुला जीवन जीते हैं, दूसरा हम लोग किसी को उल्लू नहीं बनाते हैं, क्योंकि मैं इकट्ठा करके ले जाऊंगा, मेरे चेले मौज करेंगे, भूखना तो मुझे पड़ेगा ना भाई, मेरा धर्म ये नहीं कहता कि मैं किसी को उल्लू बना के इकट्ठा करूं, जो भगवान से धर्म से धोखाधड़ी करता है वो साधु नहीं, वो शैतान होता है, इसलिए कहते हैं भगवे में भगवान सुपे है, सोच समझ नादान, नकली रंग में कपड़े लिखाए साधु नहीं शैतान, इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है, इस कथा गौ माता के लिए है, गरीब बच्चों के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं है, इस कथा के माध्यम से किसी का उपकार हो जाए, आप YouTube देख सकते हो, कंथरिया धाम सूरत देखना, आपको ऐसा लगे कि संस्था में सेवा करने जैसा है तो कर सकते हो, दूसरा आपके आगे पीछे कोई ना हो तो मेरी संस्था में रह सकते हो, आपको खाना पीना कपड़ा सब रहने का मिलेगा, दो वस्तु करना पड़ेगा मेरे मंदिर में, एक तो भजन और भोजन, खटपट नहीं, मेरी तेरी नहीं, क्योंकि ये मंदिर शांति का केंद्र है, निंदा करने का केंद्र नहीं है, या जलन करने या किसी की बेइज्जती करने का ये स्थान नहीं है, हमारे यहाँ कोई भी बोलेगा कहेगा भैया हमारी शांति का बंद न करो, हम अपने लिए बाबा बने, तुम्हारे लिए नहीं, शांति के लिए बने था, धन्य हमारा माँ बाप जिसने हमको जन्म दिया, धन्य वो संत जिसने हमको राह दिखाई सा, इसलिए भगवान कृष्ण कहते हो उद्धव इन गोपियों ने जो गीत गाया है, हर दिन में गुनगुनाता हूं, और कलयुग में लोग समझ न सके, इसलिए वही गोपी चंद्र प्रभा मीरा बनकर आई और उसने आप पर मुझे सुनाया, श्याम तुझे मिलने का तेरा कथा का बहाना है, श्याम तुझे मिलने का तेरा कथा ही बहाना में आया है, मैंने मंदिर में ढूंढा तुझे,
सबको जरूर पड़ती है। अतुल भाई कितना भी बड़ा आदमी हो, गुरु चाहिए साहब। चाहे ब्रह्मा जैसा बन जाओ, चाहे विष्णु जैसा बन जाओ, चाहे शंकर जैसा बन जाओ, आपको गुरु चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं गुरु के बिना कोई भवसागर पार नहीं हो सकता है। महादेव बोलते हैं गुरु बिन भव निधि उतर न कोई। श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु बिन भव निधि उतर न कोई। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ शिव विरंति विष्णु की न होई। श्री राम जय राम जय जय लगाते हैं बड़े बड़े लोग जंगल में, चार रस्तों में, कोई इधर से आता हो, कोई इधर से आता हो, कोई इधर से। तो जिसको प्यास लगती हो जाते हैं, जिसको प्यास नहीं और नहीं जाते, ये परब है, ये प्याव है, जिसको प्यास होती वही कथा में आ सकता है।
जिसको रस पड़ता है। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं भवानी काम वो है जो दिन रात भगवान की कथा सुनते सुनते कभी बोर ना हो। मैं खाली कथा बोलता नहीं हूं, मैं रात दिन कथा सुनता हूं। रातों रात में कल रात सोया नहीं हूं, जब तुम मैं साक्षी है रात भर में कथा सुना। हमारी वो जानकी माँ 3 बजे उठकर जाती है, वो लोग 11 बजे 3 बजे दुनिया पैसों के लिए दौड़ती है। दौड़ना चाहिए, पैसा तो मुझे चाहिए पर इतना नहीं, क्योंकि हम लोग खाते तो रोटी है, पैसे से किसका पेट भरा है? पेट किससे भरता है भाई? रोटी के लिए। सारी दुनिया रोटी के लिए, पैसा की बहुत जरूर है पर इतना भी नहीं कि हम अपना जीवन को इसमें लगा दें। जिसने सारी जिंदगी पैसों के पीछे, अपने बाल बच्चों के पीछे, संसार के पीछे लगा, वो अंत समय भगवान को याद नहीं कर सकता। हे अर्जुन, और मरते समय अगर भगवान का नाम तुम्हारे मुंह पे नहीं आया तो याद रखना, पुनरति जन्म पुनरति मरण पुनरति जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज मुंडमति भज गोविंद। हे मूर्ख, भगवान का भजन कर, नहीं तो बार बार माँ के पेट में तुमको ऊंधा लटकना पड़ेगा, माँ का मलमूत्र तेरे मुंह पे जाएगा और तू गर्भ में भगवान से प्रार्थना करता है मुझे बाहर निकालो मैं भजन करूंगा, और तू बार बार भगवान से भी धोखा करता है। दुनिया से करे इसमें क्या बात, भगवान से भी धोखा करता है मैं भजन करूंगा, और आके बोलता हूं यहां यहां तो वहां तो वहां खत्म। सबकी यह हालत है, इसलिए मानव श्रेष्ठ है। शंकर भगवान कहते हैं जिसके कथा कान सुनती है मैं उसको प्रणाम करता हूं। जिन कानों से कथा नहीं सुनती, वो कान नहीं है, वो सर्प का रहने का भर है, ऐसा शंकर कहता है। जिनके श्रवण समुद्र सब समाना, जिन हरि कथा सुने नहीं कान। ये शंकर भगवान कहते पार्वती को, हे भवानी वो कान कान नहीं है जो भगवान की कथा न सुने, वो आंख नहीं जो भगवान का और गुरु का दर्शन न करे, वो मस्तक मस्तक नहीं जो गुरु के आगे भगवान के आगे झुके नहीं, वो शरीर शरीर नहीं जो भगवान की सेवा न करे, वो पैर पैर नहीं जो मंदिरों में न जावे, ऐसा भगवान कहते हैं। इसलिए मानव का जन्म बड़ा अनमोल है, बार बार नहीं मिलता, हमारे स्वार्थ की दुनिया में इस समाज को समझाना बड़ा कठिन है साहब। जब कोई किसी का नहीं होता है तब ये भगवान के पास आता है, और भगवान भी कहते हैं जब तुम्हारा कोई ना हो, सारे दरवाजे बंद हो जाए तो मेरा दरवाजा खुला रहेगा। भगवान की आवाज है, बड़ा जी घूंघाट में आदमी नहीं सुनता, बाकी हर के कान में ईश्वर की आवाज है। जब तड़पता हुआ कोई छोड़ दे, तुम्हारे हृदय को कोई तोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्यारे, मेरा घर खुला है खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए। हम 4 बजे से आए और 3 बजे जल्दी बहन को बोलता तो जल्दी कर, अतुल बजे 4:15 बोला है, माई ने बिचारी ने साड़ी जैसे तैसे पहनी और चल दिया। तो अभी आए तो सुमन माता के इधर आओ इधर आओ, बोला नहीं नहीं 4:15 का बोला कीर्तन करे, माई बोले इधर आओ, हमने बोला कहीं काम होगा होटल में बैठे तो कांति पाए, बोले क्या करे, मैंने अपने दोस्तारों को बुलाया तुम्हारा कोई दिखाएगा नहीं मेरी क्या होगा, इतनी पब्लिक तो कोई है नहीं, ये हमारा दुर्भाग्य है ऐसा, भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है युवा फिर भी आते हैं, आज मेरे मंदिर में इतना दुर्भाग्य कथा में पूर्णावती इतनी पब्लिक जो कि हर दिन होती है, सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक, शाम को 4 से रात को 10 बजे तक होती है, शनि मंगल को मेला लगता है जितने में ही सस्ता है और सब जगह चलता है, कोई भी आओ कितने, क्योंकि समाज देता है समाज खाता है हमारा बाप का क्या जाता है। हमारा जब भंडारा होता है सब भोजन चलता है तो मैं हंसता हूँ, लोग मुझे बोलते बाबा जी क्यों हंसते, मैंने तुम्हारा दिया तुम खाते हो मेरे बाप का क्या जाता है, मुझे हंसी ही आती है कि समाज भोजन खा रहा है, मेरे स्वार्थ की समझ में नहीं आएगा। हमारे गुजरात में अब ये माने मजूरी करके एक बच्चे को पढ़ाया लिखाया, उसका शादी किया, शादी करते 2-4 महीने होंगे तो उसने बहू ने कह दिया कि तेरी माँ को अलग कर दे, वृद्धाश्रम में छोड़कर है। वो कहता है मेरी माँ ने बचपन से मेरी शादी करवाई पाला पोसा, मैं कहाँ छोड़ गया, बोले कुछ भी कर। बेटे ने कहा मेरी बहू कहती माँ चलते मेरे को वृद्धाश्रम में छोड़ के आता हूँ, माँ ने कहा बेटे मैं क्यों जाऊँ, तुम जाओ ना घर तो मेरा है, बोले तेरा नहीं है मैंने सब मेरे नाम कर दिया है। कब, रात में तुम सोई थी तब अंगूठे लगवा लिए, अच्छा
चलो कोई बात नहीं बेटे, चलो गए वृद्धाश्रम में। मैनेजर बैठा था, उस बेटे ने कहा कोई कमरा खाली है? बोले बहुत खाली है। बोले क्या रेट है? बोले वो कमरा में पंखा नहीं, उसका 500 रुपया है, वो पंखा वाला 2000 रुपया है, एसी वाला 2000 है, जो भी देख लो। वो देखने गया और माँ वो मैनेजर से बात करती है, बेटा कमरा देख कर आया और देखा कि मेरी माँ इतने मैनेजर से ऐसी बात कर रही है, बहुत साल पुराने जानती हो। और उसने कहा माँ जा देख कमरा देख कर आ, 2-4 कमरे देख ले तेरे को जो लगे। वो माँ देखने गई तो बेटे ने पूछा भाई मैनेजर साहब तुम मेरी माँ को पहचानते? बोले पहचानता हूँ, कब से? आज से 25 साल पहले। हाँ क्यों? ये जो हमारा वृद्धाश्रम है ना वो सामने अनाथ आश्रम है, माँ बाप भी ने बच्चे, आज से 25 साल पहले यही माँ तुमको उठा के ले गई थी, तेरे को पाला पोसा बड़ा किया, आज उस माँ को तुम यहाँ छोड़ने आया है, जरा तुमको शर्म आई, इस माँ ने क्या मदद करी, और तू अनाथ है तुमको बताया? बोले नहीं तो मैं जानता हूँ। इतने में माँ आ गई, बेटा चलेगा तुम जा, जा बेटा छोड़ के चला गया। पत्नी ने कहा छोड़ के आया? बोले फिर तो रहने लगे। कुछ समय आया इसको पैरालिसिस हो गया और बहुत सारा सामान लेकर चल दिया। किसी ने वृद्धाश्रम उस माँ को कहा माँ तेरे बेटे को किए की सजा मिल गई। क्या हुआ? उसको पैरालिसिस हो गया, खटिए में पड़ा है, उसकी घरवाली छोड़ के चली गई है। देख माँ तेरे से जैसा को तैसा मिला, उसने जो कुछ कर्म किया उसको मिला। तो वो माँ बोलती है मैनेजर को मेरी सही करो, मेरे को जाने दो, क्यों? मेरे बेटे को पैरालिसिस हो गया, खटिए में पड़ा, बहुत चली गई। बोले माँ तेरा बेटा कहाँ है? तू तो जानती है कि तूने पाला पोसा। फिर भी बोले मैं माँ मैंने पाला पोसा है, मैंने बेटी की तरह, भगवान ने मुझे बेटा नहीं दिया इसको मैंने बेटा माना, मैं जाऊंगी। मैंने जो रो पड़ा रे माँ, जिस बेटे ने तुम्हें इतना दिख लिया यहाँ छोड़ कर गया, उस बेटे को बोले हाँ। दौड़ कर आती है बेटे के पास, बेटा मैं आ गई हूँ। बोले तेरी घरवाली चली, माँ बोले बेटे के आगे दौड़ कर आंसू और नहीं सका। माँ हर दिन मालिश करके अपने बेटे को मंदिरों में ले जाती है, भगवान से प्रार्थना करती मेरे बेटे को ठीक कर दो। बेटा को अब आंखें खुली, करे रे जिस माँ ने मुझे दर्शन नहीं दिया, फुटपाथ पे रोते अनाथ आश्रम के उठा के लाई, कभी नहीं बोला तू मेरा बेटा नहीं है, और आज उस माँ मेरे काम आई, वो बच्चा ठीक हो गया। तब उसने यही गाया है, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, शीतल शीतल है ओ माँ, ओ माँ। और ये बच्चे ने तो बाद में गाया, आप गाइए श्रीमद् भागवत देखिए 10वां कंध 12वां श्लोक में, कृष्ण भी जब मथुरा जा रहा है यशोदा दौड़ी गिर गई, भगवान कृष्ण रथ से कूद पड़े, माँ का मस्तक गोद में लिया, रो पड़े, माँ तेरे से बड़ा दुनिया में कोई, मैं दुनिया का भगवान हूँ तेरा बेटा हूँ। माँ जब मैं बीमार पड़ता था तो हाथ में दिए लेकर रात रात तू खड़ी रहती थी। कृष्ण ने भी यही गाया, तू कितनी भोली है, तू कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, माँ बच्चों की जा होती लागी है
माँ तेरी अखिया दुखने लागी है, माँ तेरी अखिया मेरे लिए जागी है, तू सारी सारी रतिया मेरे लिए जागी है, तू सारी सारी रतिया मेरे निंदिया पे तेरी निंदिया भी तुमने वारी है। समय का दुर्भाग्य देखो आज बहुत ऐसे किस्से हो रहे हैं भारत में, कोई बेटा यहाँ आ गया, हमने तो कहीं कोई बहुत देखा कि माँ का अग्नि संस्कार भी नहीं कर सके। कोवेंट्री में एक मेरा भगत था, उसकी माँ मेरे पास 2 महीना रही और मैंने बहुत बोला तुम्हारी माँ का अंत समय आओ, बोले आप ही अग्नि संस्कार करते हैं। लंदन में मेरा भगत एक रहता था, उसकी माँ अफ्रीका में थी, मैं हर साल अफ्रीका में जाता हूँ, अभी ये मेरी कथा बाद में अफ्रीका में है दिवाली के बाद, वो मेरे भगत थे, उसको माँ बहुत तड़ती थी, महाराज आपका चेला है एक बार मुझे देखना है, मैंने बहुत बोला, उसकी माँ तरह तरह के मरी, बेटा देखने नहीं गया, क्या काम का है, क्या भगवान की लीला है, जिस माता पिता ने हमको पाला पोसा उनको हम छोड़ कर यहाँ बैठे हैं, चलो कोई बात नहीं, पर कम से कम जिस माँ ने तुम्हारा जन्म दिया, हर माँ बाप चाहते है कि अंत माँ बाप बेटे के जनादे पे कंधे पे जनादा हो, जिस माँ बाप को अपने बच्चों का हाथ से अग्नि संस्कार नहीं मिलता उस माँ बाप की बहुत बड़ी बुरी हालत होती है, ऐसा गीता में लिखा है ऐसा। इसलिए हमारे देश के पशु पक्षी भी अपने पितरों को तर्पण करते थे, श्राप करते थे, रामायण पढ़िए साहब, और आप देखो कई लोग हमको मिलते हैं, महाराज इसे तो बच्चे नहीं होते तो अच्छा, सब कुछ हमने किया आज हमें को काम नहीं लगा। इसलिए कहते हैं कि कलयुग में बेटा वाइफ तब और बेटी लाइफ तब, कलयुग में बेटियां ही काम आएगी बेटे नहीं आएंगे, कोई होगा जो मायका लाल ऐसा जो आपने संस्कार दिया होगा, बचपन से मंदिर में ले गए होंगे, सत्संग में ले गए होंगे, कथा में ले गए होंगे, तो काम आएगा बाकी नहीं आएगा। मेरे पालनपुर में एक बहुत बड़े मैस्टर साहब अभी रिटायर है और हमारा नगर सेठ है, वहां इतनी लाइन लगती है, आदमी बाजू में कल्याणा की दुकान है, इधर कोई नहीं और उसका इतनी लाइन लगती है, और आदमी सुबह से निकल पड़ता है हॉस्पिटलों में सब जगह फल फूल बांटने, वो मैस्टर बोलता है कि सेठ अब तो बच्चे बड़े बड़े हो गए, चलो कथा में चलते हैं, मैंने खर्चा किया है, मेरे गुरुदेव आ रहे हैं। बोले नहीं नहीं महाराज कल चलेंगे, क्यों, आज तो हमको पिक्चर देखने जाना, बहुत अच्छी मूवी आई है, कौन सा बताया उसने, देवोदास के साथ कुछ था भगवान जाने, हमको जाना है, मैस्टर ने बहुत कहा। फिर दूसरे दिन बोला आखिर मैं नहीं आया, बोले तुम्हारे बच्चों को लेकर आओ मैं सब खर्चा करूंगा, नहीं आया, बड़े मित्र थे। और फिर मैस्टर की बदली हो गई, चले गए, उस सेठ ने अपने बच्चों को सब सौंप दिया, बोया आ गई और फिर उस सेठ को कहा इसके बच्चों ने कि पिताजी सब बोए कहती है कि आप घर में बैठे बैठे रहते हो, इनको सबको घर में आना जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप दरवाजे पर बैठो। इतना बड़ा सेठ, उन बच्चों ने दरवाजे बिठा दिया, वो बेचारा बैठा बैठा थूकता है इधर उधर, फिर वो बहू ने फरियाद की तुम्हारा बाप तो थूकता है, उसको गैरेज में डाल दो, गैरेज में डाल दिया, इतना बीमार हो गया। और फिर मैस्टर ने बहुत सालों के बाद अपने बच्चों को कहा कि चलो मेरा एक मित्र है देखना चले, तो मैस्टर के बच्चे बोले हम भी चलेंगे आपके मित्र को देखने, बच्चे बहू सब गए और जाके उस सेठ के घर में पहुंचे, दरवाजा खटखटाया और कहा कि वो सेठ कहां है, बोले वो गैरेज में पड़ा है जाओ। बहू ने बताया जब वो गैरेज में गए खटिया में पड़ा है, मैस्टर साहब ने कहा सेठ मुझे पहचाना, बोले ना वो मैं तुम्हारा मित्र याद है आपको, मैं हर दिन बोलता था चलो तुम्हारे बच्चों को लगी कथा में चले, कीर्तन में चले, मंदिर में चले, कभी नहीं ध्यान दिया, आज देखो तुम्हारे बच्चे कोई काम आए, और देखो मेरे बच्चे हर दिन कथा में जाते मंदिर में जाते, मैंने कहा मेरे मित्र को देखने तो सब आए है, और बच्चे क्या बोलते पिताजी आपके मित्र है, इनके बच्चे सेवा नहीं करते चलो अपने घर ले जाते हैं। वो मैस्टर उस बुड्ढे को अपने घर लाए और उन मैस्टर के बच्चों ने उसकी सेवा करी, अभी 3 साल हो गया आदमी मर गया। इसलिए आप कभी अपने बच्चों का दोष नहीं देना, आपके में कमी है, क्योंकि आपने अपने बच्चों को कभी धर्म का ज्ञान नहीं दिया, गीता का नहीं दिया, शास्त्रों का नहीं दिया था, ये सब शास्त्रों का सार ही है।
इसको एक एक पन्ना पढ़ के देखो साहब, ये भगवान की मुख से निकली वाणी है। इसमें लिखा है जो योग करता है, योग माने भजन कीर्तन भगवान का ध्यान भगवान का कथा, इसको योग कहते हैं। योगा माने शरीर का है, योग ईश्वर के मिलने का नाम है। गोपियों ने योग किया, योगा नहीं, मीरा ने कभी प्राणायाम नहीं किया, कोई ध्यान नहीं किया, बस कीर्तन किया, भगवान की नाची। जब राजस्थान वाले लोगों ने उसको हटाया, पत्थर फेंके, जहर दिया, आखिर में मीरा द्वारका में आई और उस पत्थर की मूर्ति पे बोली, हे कन्हैया, हे नंद नंदन, तुझे गोकुल वालों ने परेशान किया तो तू वृंदावन में गया, वृंदावन वालों ने परेशान किया तो मथुरा गया, मथुरा ने तुम्हें परेशान किया तो द्वारका में आया, अब तू बता मैं कहां जाऊं। तो पत्थर से मूर्ति में से हाथ निकले साहब, हजारों लोग देखते रहे आज से 400 साल पहले, और मूर्ति में साहब आ जाए, मीरा आ जा, दुनिया देखती रही, वहां के पंडित पुजारी देखते रहे, और मीरा समाधि आज वही मूर्ति है जिसको हम कहते हैं द्वारकाधीश भगवान। इसलिए मूर्ति बोलती है, मूर्ति खाती है। भगवान कृष्ण कहता है जो मुझे भोग लगा के खाता है वो अमृत खाता है, इसमें लिखा है। और जो अपने लिए रात के भगवान को भोग नहीं लगाता, अपने लिए बनाता, वो पाप को खाता है। इसलिए साधु संत भक्त भगवान को भोग लगाए बिना खाना नहीं चाहिए। इनके घर में तीन बार भोजन बनता है, भोग लगाना, हमारे का तीन बार भोग लगता है, सुबह दोपहर और शाम। भगवान को भोग लगने के बाद कोई भी आओ जाओ खाओ, क्योंकि भगवान को भोग लगना जरूरी है। वाल्मीकि ऋषि को भगवान राम कहते हैं कि हमको कहाँ रहना चाहिए, तो वाल्मीकि भी बोले तुम ही निवेदित भोजन करिए, जो तुमको भोग लगाकर खाता हो उसके घर में तुम्हारा वास हो, उसके हृदय में तुम्हारा वास हो। तुम चाहते हो कि भगवान हमारे घर में रहे, हमारे हृदय में रहे, तो भगवान को भोग लगाओ। दूसरा, आप कहीं बाहर खाने जाते हो, तुम्हारा ठाकुर बाहर का नहीं खाता, उसके लिए कुछ बना के भोग लगा के जाओ। हम लोग भगवान को भोग लगा के बिना नहीं खाते, भोग लगाते हैं क्योंकि हमारा एक विश्वास है। मेरे गुरु 113 साल के थे, उन्हें आजीवन इस देवता की पूजा, इसको पंच पूजा कहते हैं। हमारे हिंदू शास्त्र में, सनातन शास्त्र में पंच पूजा है, सूर्य की पूजा, गणपति की पूजा, शंकर भगवान की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा और विष्णु पूजा, इसको बोलते हैं पंच पूजा। मैं 45 साल से कहीं भी जाता हूं, चाहे दुनिया में, ऐसा नहीं कि यहां लेकर आया, भारत में भी लेके घूमता रहता हूं, भारत में भगवान की कृपा है, बच्चे लोग साथ में रहते हैं, पर हम अपने ठाकुर, हमको विश्वास है कि भगवान खाता है, क्योंकि उसको तो बस प्रेम से खिलाओ साहब, वो प्रेम चाहता है। दुर्योधन ने कहा कि भोजन करके जाओ, चलो लड़ाई झगड़ा एक तरफ है, भगवान ने कहा तेरा भाव नहीं है, मुझे भूख नहीं है। दो जगह भोजन करे जाते हैं तो बहुत भूख लग जाए, और दूसरे का भाव हो, तेरा भाव नहीं है, मुझे भूख नहीं है। दुर्योधन ने कहा दो बजा कहाँ जाओगे, बोले कहीं भी, ईश्वर सबको खिलाता है, तो मैं तो स्वयं भगवान हूं, मैं जहां प्रेम देखता हूं वहां खाता हूं। देखो गोपियों का कैसा प्रेम होगा, कन्हैया को भगवान को नचाती थी एक गिलास लस्सी में, कन्हैया से नचाया गोपियों ने, सबरी ने भगवान को झूठे बोर खिला दिए, अरे विदुर की भगवान ने बाजी खा ली, अर्जुन के नौकर बन गए। इसका कारण क्या है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागी, दुर्योधन के मेवा त्यागी, साग भी दूर कर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे we'll be right back.
तो ये प्रेम है, कथा प्रेम से सुनी जाती है, भगवान का भजन प्रेम से किया जाता है तो भगवान सुनता है। कौन कहता है भगवान खाता नहीं, माँ यशोदा की तरह तुम खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान बोलता नहीं, सबरी की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचता नहीं, मीरा की तरह तुम नाचते दिखाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोता नहीं है, सुरदास की तरह तुम सोता नहीं सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान गाता नहीं, गोपियों की तरह तुम गलाते नहीं। ईश्वर सब कुछ करता है, ईश्वर मानव बनकर तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। हम राम की पूजा क्यों करते हैं, राम ने कोई हमको बोल के गए हमारा मंदिर बनाना, राम ने कभी अपना मंदिर बनाया, आपने बनाया है क्यों, उसने हमारे लिए ऐसा मानव जन्म लेकर ऐसे कर्म किए। भगवान राम भी कहते हैं मुझे भी गुरु की जरूरत पड़ी, अगर राम को गुरु नहीं मिलते तो उसको कोई भगवान नहीं कहते राम, इसलिए गुरु सबको चाहिए। तुम बड़े कितने पढ़े लिखे हो भगवान हो, देखो मंगूठा साहब है, तुम यहाँ जन्मे हो, अंग्रेजी जानते हो, मुझे तो आता भी नहीं, फिर मैं 14 कंट्री घूमता हूँ, मनी फॉग मुसट टॉप वन मैन सॉ मनी फॉग मुसट टॉप, पैसा फै तमाशा देख, हम बिना पैसे से तमाशा देख रहे हैं। इसलिए कहने का भाव, जा पर कृपा गुरु की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए राम को हमने भगवान कब माना, उसको विश्वामित्र गुरु मिले, जब विश्वामित्र ने कहा राम तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है आप जानते हो, भगवान ने कहा कुछ भी हो आप मेरे गुरु हो, आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। राम कहते हैं जहां ले चलोगे गुरुजी वहां मैं चलूंगा, 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 जहां दाद रख लोगे जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे गुरु जी वहां मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे गुरु जी वहां मैं चलूंगा। माता पिता रख लोगे वही मैं रहूंगा,
जहाँ मुझे हक मोरे वहाँ मैं रहूँगा। जैसा आप कहोगे गुरुदेव, जैसा आप कहोगे गुरुदेव वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे गुरुजी वहाँ मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे गुरुदेव वहाँ मैं चलूँगा। इसमें लिखा है जब विश्वामित्र दशरथ के पास आए, बोले मुझे राक्षस लोग सताते हैं, मैं यज्ञ करता हूँ, यज्ञ में विघ्न करते हैं, मेरी गायों को ले जाते हैं, मार के खा जाते हैं। हे राजा, तुझे भगवान ने चार बेटे दिए, मुझे दो बेटे दे दिए। पहले दशरथ जी ने मना किया कि एक तो बुढ़ापे में भगवान की कृपा हुई और राम मैं नहीं दे सकता, मेरा राजपाट मेरे प्राण ले लो, पर मैं अपने राम को नहीं दे सकता। पर वशिष्ठ ने कहा मैं कहता हूं दे दो। जब गुरु की आज्ञा हुई तो दशरथ ने राम लक्ष्मण को बुलाया, कहा आज से तुम्हारे माता पिता को वो जो कहे करना। आज वो राम बोले विश्वामित्र को, विश्वामित्र ने कहा मेरा यज्ञ पूरा कराया, अब कहो तो मैं घर छोड़ जाऊं और कहो तो नेपाल ले जाओ, वहां भी एक धनुष यज्ञ चलता है, एक बेटी का बाप रो रहा है, बेटी की शादी नहीं हो रही है। राजा ने प्रतिज्ञा किया जो धनुष को डोरी चढ़ाएगा उसको उठाएगा उससे मेरी बेटी का विवाह करूंगा। रावण बाणासुर सहस्रबाहु दत्त हजार राजाओं ने उस धनुष को उठाने की कोशिश करी, किसी से नहीं उठा है। हे राम, तुम कहो तो अपने बाप के पास अयोध्या छोड़ जाओ और कहो तो साथ में चलो। तो राम रो पड़े, गुरु जी आप जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। ये शिव पुराण में पहले राम कथा आती है फिर शिव कथा आती है, रामायण में पहले शिव कथा आती है फिर राम कथा आती है, शिव पुराण में राम कथा के बाद कृष्ण कथा आती है फिर शिव पुराण आती है, देवी भागवत में पहले कृष्ण कथा राम कथा शिव कथा महाभारत कथा फिर जगदम्बा की आती है। तो ये ग्रंथ भगवान व्यास नारायण ने रचा है, आपकी तरह कुर्सी में बैठ के आराम से पढ़कर नहीं, पत्ते खाए भाजी के यमुना जी के जल पिया है, बिस्लेरी नहीं बॉटल नहीं, और रात दिन लिखे है। और उसने नहीं गणपति को बुलाया कि मैं आपको बोलू ऐसा लिखो, गणपति ने कहा मैं लिख सकता हूं पर एक मिनट भी अगर आपने रोक दिया तो चल दूंगा। तो व्यास भगवान ऐसा एक मंत्र लिखते थे गणपति सोचने लगे तो मैं ना धोके पूजा करके वापस आ जाते थे। इसमें एक जगह ऐसा लिखा भागवत में कि लिखो कलयुग में एकांत में बाप को बेटी के साथ भी बैठना नहीं बिना काम से, बेटे को अपनी माँ के साथ भी बैठना नहीं बिना काम से। गणपति ने लिख लिया, पर उसका एक चेला था ना मेरे जैसा डापण करने वाला डॉट डाया, हमारे गुजराती में बोलते हैं या तो डाया सारा या तो गांडा सारा, डॉट डाया नहीं सारा, डॉट डाया हम समझते हो, आज नहीं कहूंगा कल कहूंगा, आज कहूँ कल आओगे नहीं कल बताऊंगा, तो या तो पागल अच्छा या तो आदमी बुद्धिमान अच्छा। तो गणपति ने लिख लिया पर चेले ने नहीं लिख लिया जिसका नाम था जमीनी, उसने कहा गुरु मैं नहीं मानता ऐसा नहीं हो सकता। बोले लख लो बेटे समय का मान है, समय आता है ऐसा समय होगा। बोले नहीं आज यहां का तो मुझे पता नहीं, वहां तो उधर ऐसा हो रहा है, कोई बाप बेटी से विवाह कर रहा है, कोई भाई बहन से विवाह कर रहा है, कोई बेटा माँ से कोई भाभी से चल रहा है। 5,500 पहले लिखा है, चेले ने नहीं लिखा, बोले कोई बात नहीं बेटे जाओ। तो पहले कहता ऐसे आज जो आश्रम है VIP ऐसे तो था नहीं, कुटी आई थी काश कुछ की, गुरु ने कहा जाओ कल लिखेंगे, ध्यान से सुनना हो भाई। सो गए, 3 बजा और एक स्त्री आई भीगे कपड़े में, रोती है चिल्लाती है मुझे बचा लो, थोड़ी देर के लिए मुझे सहारा दे दो, मेरे माँ बाप मुझे जंगल में छोड़ के चले गए, थोड़ी देर मुझे रुकने को कहो। उस महात्मा को दया आ गई, दरवाजा खोला, अरे आप महाराज मुझे थोड़ी देर रहने तो ठंडी लग रही है, अच्छा अच्छा जाओ अंदर, देखो हमारे गुरु जी 4 बजे उठ जाते हैं तो 4 बजे चले जाना, नहीं नहीं महाराज चले जाऊंगा, अच्छा अच्छा अंदर मेरे कपड़े पहन लो, देखो दरवाजा अंदर से बंद कर, कोई भी आए खोलना नहीं। उस कन्या ने कहा आपको तो मैं बोलू तो भी नहीं खोलना, अच्छा ठीक है बंद कर दिया। बाबा जी बाहर खड़े हैं सोच रहे हैं, वो बरसात में भीगे थे, याद आया
दरवाजा खटखटाया। उसने बोला कौन? बोले मैं जैमिनी। खोलो। बोले नहीं खोलूंगी। अरे मैंने कहा है? अरे आपने तो कहा था मैं बोलू तो नहीं खोलू। अरे खोलो। नहीं खोला तो कुटिया फाड़ कर नीचे गिरी, कुटिया पे सड़ के तोड़ कर नीचे गिरी। वो कन्या घबरा गई, बोले नहीं नहीं घबराना नहीं, खाली मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारी शादी होगी? अरे बाबा तू तो ब्रह्मचारी है और फिर बोलता है, ये कथा इसमें आ रही है नारद की, मैं इसे पहले सुना दू। वो बोले नहीं 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 मैं खाली पूछता हूँ शादी हुई? बोले शादी नहीं हुई। अच्छा तुम शादी कर सकती हो? बोले हाँ कोई अच्छे मिल जाए तो मेरे साथ। ओहो आप जैसा तपस्वी महात्मा मिले इतना भजनानंदी तो मेरा कहाँ पा, तो अपने शादी करे। अच्छा मगर हमारे में एक रिवाज है क्या, जो दूल्हा होता है वो घोड़ा बैठता है, दुल्हन होती इसके ऊपर बैठती है, फिर चार फेरे लगाते हैं। उस बाबा जी ने बोला कि बाहर लगाना अंदर, बोले अंदर भी चलेगा तो चार बोलो 108 लगा सकते, कोई देखेगा नहीं। बोले अच्छी बात, तो जो बीच में खमता उसको यज्ञ माना। बाबा जी दूल्हा बन गए, दुल्हन ऊपर बैठ गई, एक फेरे माय रामा पहलू मंदल बनता है, एक दो तीन चौथा फेर लगे तो वजन लगा, देखा तो सफेद दाढ़ी में अपने गुरु को देखा, पसीने से रेप जेप हो गए, एकदम खड़े हो गए। भगवान व्यास ने कहा क्यों बेटा? बोले गुरु जी अभी लिखता हूं, क्योंकि समय है साहब, शास्त्रों में जो लिखा वो सत्य है। भगवान कृष्ण कहते हैं जो शास्त्रों में लिखा वो सत्य है, जो शास्त्रों को नहीं मानता वो मूर्ख है। इसलिए अर्जुन जो शास्त्र में लिखा जी लोग मनमानी पूजा करो, मनमानी करो मजा कर दो, चलो कोई बात नहीं शाम को कर लेंगे, भगवान तो दयालु भाव का भूखा नहीं, नहीं फिर तुम काय को खोता है, तुम भी भूखे सो जाओ, ऐसा नहीं। भाव होना चाहिए, भगवान भाव देखता है। आपने भोग लगाया तुम्हारा कुछ नहीं घटा, उसमें स्वाद ले लिया अगर तुम्हारा प्रेम है तो। बाकी भोजन एक तरफ तुम अपने हाथ से बना के खाओ और एक बार भोग लगा के खाओ तो बहुत फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि प्रसाद हो गया। अभी आप कथा में हो, कोई पार्टी में नहीं हो, अभी आप भोजन नहीं करोगे, क्या करोगे? प्रसाद। हमारे गुजरात में बोलते हरिहर, हरिहर माने प्रसाद। होटल में खाना होता है, घर में भोजन होता है, यहाँ प्रसाद होता है। और यहाँ तुम किसी को पानी पिला दो, किसी को भोजन खिला दो तो 10,000 गायों का दान करने का मिलते हैं, क्योंकि भोजन की बड़ी महिमा है साहब। करण जब ऊपर गया, मैंने कल सुनाया था ना, सोने का ढेर लगा दिया और उंगली डाली पेट भर गया, तो करण ने बोला अनाज में इतनी ताकत है? बोले हाँ, तो मुझे एक बार मानव का जन्म दो। वो हमारे गुजरात में जन्मा जिसका नाम पड़ा सेठ सगा, यूट्यूब में गूगल में देखना शेर सगाल था, वो पढ़ोगे। और वो करण शेर सगाल था बन के जन्म, आज भी मेला लगता है जूनागढ़ के बाद बिल का गांव है, आप यूट्यूब में देखना, ये कोई जोक्स नहीं है। आइए मैं ले जाऊंगा आपको, और कोई यहाँ गुजरात से कथाकार आओ तो उसको पूछना कि शेर सगाल था कौन है, वो कथा सुनाएगा। वो शेठ सगाल सा ने वापस मानव का जन्म, एक बार मुझे मानव का जन्म दियो, जो दान करता है पुण्य करता है सत्कर्म करता है भगवान का भजन करता है उसको मानव का जन्म मिलता है। बाकी जिसने खाया पिया मौज करा ने वो फिर कुत्ता ही बन सकता है, मनुष्य नहीं। गरुड़ पुराण में कृष्ण कहता है, मैं नहीं कहता, आप पढ़िएगा गरुड़ पुराण। लोग कहते हैं गरुड़ पुराण मरने के बाद सुनाया जाता, नहीं नहीं जीते जी सुनो भाई, मरने के बाद तो इसलिए सुनाते हैं कि जो जीते है वो समझे, मरा हुआ उसके कुछ काम नहीं लगेगा, वो तो गया अपने बाप का भाग लेकर, जिंदा है उसके लिए, ये जिंदा के लिए मुर्दों के लिए नहीं है। इसलिए कहने का भाव, भगवान कहते हैं जो भाव से मेरे को करता है उसको मैं जानता हूं। इसलिए उसने शेर सगर से जो सत्री था, अगले जन्म में कुंता का बेटा था, एक बनिए के घर में, वेश्य के घर में, एक व्यापारी के घर में, एक नगरसर के घर में जन्म लिया। और बचपन से उसका स्वभाव था कोई भी साधु संत को खिलाए बिना भोजन नहीं करता था। बड़ा हुआ, शादी हो गई, पत्नी भी ऐसी मिली संगावती रानी, उसको एक बेटा हुआ जिसका नाम पड़ा चिलैया। उसका ऐसा नियम था किसी को खिलाए बिना खाना नहीं। और जब आप सच्चे दिल से आप भगवान का भजन करोगे तो भगवान की बहुत एक आदत बुरी है, परीक्षा करता है। हम खाली सुबह शाम दीवा करते हैं, आरती में एक बार मंदिर में जाते हैं, कोई तकलीफ आ जाए भगवान हमारी परीक्षा करता है। मर जा, तेरी परीक्षा नहीं होती, परीक्षा ना भक्तों की होती, संतों की होती, आपकी मेरे के नहीं। इसलिए भगवान ने देखा कृष्ण इतना नियम लिया। देखो ना जलाराम का नियम था साहब, साधु संतों को इतना भोजन कराता था, और वीरबाई माता इतनी सेवा करती थी, और एक दिन भगवान बाबा बनकर आ गया, जलाराम मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पास कोई सेवा करने वाला नहीं, तेरी पत्नी चाहिए। जलाराम बाबा कुछ नहीं बुलाए, हाँ नहीं ना नहीं, रसोड़े में गई, माँ वीरबाई रोटी बना रही है, देवी
हाँ एक साधु आया है, वो आपको लेने आया है। वो कहता है मैं बूढ़ा हो गया हूं और मुझे तुम्हारी पत्नी दे दो, बस चाहिए। वीरबाई ने जलाराम के सामने देखा, क्या कहते हो, साधु आया है, देना पड़ेगा। कुछ नहीं बोलियो, रख दिया पति के पैर पे पड़ी। स्वामी आप मेरे भगवान हो, आपके कहने से जा रहा हूं, दुनिया कल कुछ भी बोलेगी, आप कुछ नहीं बोलना। बोले जाओ, देखो भगवान तो खाली परीक्षा कर रहा था, उसको भी झाड़ा हो गया। जलाराम ने बोला ले जाओ, कोई है माइक वाला? हम लोग किसी घर में जाते, बोले दुकान बाबा जी आपकी, बच्चे बाबा जी आपके, महल आपके, पत्नी वो हमारी है। लोगे बाबा कहेगा नहीं, पर जलाराम को बोला तो जलाराम ने बोला वो भी देरी देगा, एक ही ऐसा हुआ, ये कोई दंत कथा नहीं है सर, सारी दुनिया जानती। दे दिया, लेकर जंगल में गए, भगवान को झाड़ा हो गया, झोली डंडा पकड़ा, बोले मैं अभी आता हूं, गया सो गया, अभी तक नहीं आया, 200 साल हो गया। और वीरबाई मां शाम तक खड़ी है एक ही जगह है, गोवाल लोग निकले, मां आप? बोले जलाराम बाबा को कहना वीरबाई खड़ी है। फिर तो जलाराम बाबा सबको लेकर वाते गाते लेने आए, सब वाते गाते ले गए। और आज भी जलाराम बाबा को वीरबाई को याद करते हैं, जहां भी जलाराम बाबा का मंदिर होगा, चाहे विदेश में हो चाहे देश में हो, जहां भी चले जाओ, बस रोटी का टुकड़ा, भगवान टुकड़ा, रोटी में बहुत ताकत है सब। वो शेठ सदार शाह एक बेटा हुआ, नियम था साधु को भोजन करा के खाना, चौमासा आ गया, 4 महीना, तुम्हारे तो पता ही नहीं है वेदर का कब प्रसाद होती है कब बर देती है, इसलिए कहते हैं नौकरी का सौकरी का कोई भरोसा नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं सुन कहता हूँ। हमारे भारत में 4 महीना चौमासा होता है, 4 महीना गर्मी होती है, 4 महीना सियाला होता है, भारत जैसा कोई देश नहीं है, ईश्वर का बनाया कानून है। देखो अभी भगवान विष्णु सो गया तो शंकर भगवान राजा है, अब शिव चला रहे, इसलिए हम जल चढ़ाते करते, क्योंकि भगवान के कंठ में विष्णु कहाँ है, सो गया, इसको कहते हैं देव शनि एकादशी। अब कार्तिक महीना आएगा, दिवाली के बाद तुलसी विवाह होगा, भगवान विष्णु जाग जाएंगे, भगवान समाधि में लग जाएंगे, फिर भगवान विष्णु जाग जाएंगे। जब चौमासा आएगा तो शिव और शंकर दोनों सो जाएंगे, ब्रह्मा कहेंगे हरिओम तत्सत जय गुरु दत्त, सबको ड्यूटी है, सब नौकरी कर रहे हैं, यहाँ ऐसा नहीं कहा आप कर रहे हो, ब्रह्मा भी नौकरी कर रहा है, उनका काम है जगत को उत्पन्न करना, चाहे कुछ भी हो, विष्णु भगवान का काम है सबको खिलाना, और शंकर का काम है सबको मारना। पर कोई बोला कि शंकर ने मार दिया, क्या हुआ, हार्ट अटैक आ गया, क्या हुआ, टाइफाइड हो गया, क्या हो गया, कोरोना हो गया, किसी ने कहा भगवान मारते हैं, इनकी ड्यूटी है साहब। इसलिए भगवान जिसको मारता है उसको तारता भी है, ईश्वर जैसा दुनिया में दयालु कोई नहीं है, इसको महादेव कहते। तुम किसी भी धर्म को मानो, आपको शिव को मानना ही पड़ेगा, शंकर बिना तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि शमशान में तो जाना ही पड़ेगा ना भाई, वहां पर राम के कृष्ण तुम्हारी जक्षा नहीं करेगा, और महादेव बोलेगा आजा बेटा, क्योंकि मंजिल तो तेरी यही थी, जिंदगी गुजर गई आते आते में, बता तुम्हें क्या मिला, तेरे अपनों ने जला दिया जाते जाते में, यही तो है शमशान में लिखा रहता है, क्योंकि महादेव शमशान में रहता है। महादेव जैसा कोई दयालु नहीं, कृष्ण को मानने वाले भगवान को नहीं मानते। बालम में मेरी 5 साल पहले कथा थी, अभी 2 दिन के बाद वापस कथा है, वहां भगवान कृष्ण का मंदिर और भगवान शिव का मंदिर, कोई जाओ ही नहीं, मैंने बोला शिव जी को, बोला नहीं नहीं हम शिव जी को नहीं मानते, फिर मेरा मगज हट गया, 3 दिन मैंने ऐसी शिव कथा सुनाई, सब शिव जी को झंझान लगे, सब मान ले। अरे भाई कृष्ण का इष्ट भगवान शंकर है, वैष्णव नाम परो वैष्णव भगवान शंकर, शिव जी जरा कोई वैष्णव है या नहीं साहब, शिव के इष्ट देव भगवान कृष्ण है, कृष्ण के इष्ट देव भगवान शिव है, राम के इष्ट देव भगवान शिव है, और शिव के इष्ट देव रामेश्वर, इसलिए तो बोलते हैं बोलिए रामेश्वर भगवान की। राम ने जन्म से इतने शिव के मंदिर बनाए, आप जाइए अयोध्या में रामनाथ मंदिर है, चित्रकूट में जाइए कामनाथ मंदिर है, पंचवटी में जाइए त्रंगनाथ मंदिर है, लंका में जाइए रामेश्वर मंदिर है, कृष्ण को जन्म है तो जन्मते भूतेश्वर मंदिर है गोकुल में, वृंदावन में आए तो यमुनेश्वर मंदिर है, मथुरा में आए तो गोपेश्वर मंदिर है, द्वारका में गए तो नागेश्वर मंदिर, ये सब कृष्ण राम ने बनाया, इसके बाद आपने राम कृष्ण को बनाया, अब राम कहते हैं तूने मुझे बना दिया तो कम से कम दर्शन करने तो आ, हम तुम्हारी राह देख रहे हैं कब आएगा भगत, श्रावण में ना आता हमारे भारत में इतनी लाइन लगती शिव जी को, इतना जल, इतना दूध, इतनी भीड़, क्या आदमी दूसरे आदमी के मत चढ़ा देता, इधर चढ़ा के चल देता है,
और इतना जल, कई कई लोग तो ठेली को मुंह से खोलता है फिर चढ़ाता है, पता नहीं पढ़े लिखे के आदमी ने क्या दिमाग, इतना भीड़ लगता है कि श्रावण महीना पूरा होता है शंकर भगवान देखते हैं, पार्वती माँ पूछती कहाँ गए, बोले सब भीड़ भड़ाके वाले गए कहाँ, दिखता नहीं है साला, खुजली आ रही है जटा में, माँ भगवती फिर दही से नहलाती है, शैम्पू से नहलाती है, वो शैम्पू नहीं जो आप नहाते हैं, वो शैम्पू कैलाश का है, इसलिए कहने का भाव, भगवान भोलेनाथ की कथा सुन रहे, श्रावण महीना है, दशरथ को कोई पुत्र नहीं था, तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा यज्ञ करो भगवान शिव का पुत्र कामेष्ट, और जब यज्ञ किया तो भगवान अग्नि नारायण प्रकट हुए, खीर दिया और कहा लो तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी रानियों को खिलाओ, और स्वयं भगवान पुत्र बनकर आए, सारी अयोध्या नाच उठी, गाने लग गई, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे, अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे, अवध में आनंद भयो जय जय श्री राम की, अवध में आनंद भयो जय जय श्री राम की, दशरथ के दुलारो भयो जय जय श्री राम की, अवध के दुलारे भयो जय जय श्री राम, बोले रामचंद्र भगवान की जय। तो राम ने गुरु बनाया, सौ बात की एक बात, भगवान शंकर कहते हैं ये दुनिया में गुरु के बिना कोई भवसागर पार नहीं हो सकता, ये पार्वती मेरे गले में जितनी खोपड़ी की माला है इतने तुम्हारे जन्म हो चुके, पर अब तुम्हारा जन्म नहीं होगा, मरण नहीं होगा, क्यों, इस जन्म ने तुमने नारद जैसे गुरु बनाए, पार्वती के भी गुरु है जगदम्बा के, इसलिए जगदम्बा पूजा हो रही है, नहीं तो कितने जन्म लिए, ये राम जो पूजा हो रही है इसके गुरु है, सीता जी के गुरु है, राधा कृष्ण के गुरु है, तभी पूजा होती है, गुरु चाहिए, आप तो और हम मानव है, मेरे सामने देखो साहब, अगर मुझे गुरु नहीं मिलते मैं भी कहीं कचरे के डब्बे में पड़ा था, मजूरी करता कहीं होटलों में किसी घर में, कहीं मजूरी करता हूँ मैं भी, बच्चों के पीछे रोता धोता और वो मुझे धमकाती अभी तक काम पे नहीं गए, खाओगे का तुम्हारा बाप लाएगा, अब हमको कोई कहने वाला नहीं, गुरु मिले, देखो आपके सामने बैठे, हमने कोई किताब नहीं देखी, कोई स्कूल नहीं देखी, ऐसा कौन सा कथाकार के जो पढ़ के बिना बोल सके इतना भी बड़ा हो, और हमारे पास देखो, हमने इसलिए दो शब्द लिखे थे कि मुझे कीर्तन नया गाना था पर चला नहीं मेरा, क्योंकि फिर भी आपको मैं प्रणाम करता हूं कि मेरे को साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद संगीतकार भाई और ताली से, क्योंकि संगीत बिना कथा नहीं चलती, भोजन बिना भजन नहीं हो सकता, ले तेरी कंठी ले तेरी माला भूखे भजन न होए गोपाला, इसलिए कोई कथा में आते हैं कोई कथा में प्रसाद लेने आते हैं, तीन प्रकार के कथाकार होते हैं, तीन प्रकार के श्रोता होता है, एक देखने आता है बाबा कैसी कथा करता है, दूसरा आता है सो जाता है, तीसरा आता है मम्मम कब होगा, तीन प्रकार के कथाकार है, और कथा के एक रसिक हो जिसको प्यास लगी हो, अब तो भगवान की दया होगी भारत में हर स्टेशन पे पानी मिलता है, पहले गरीब लोग मटका लेके पानी बेचते थे, गरम पानी ठंडा पानी आठाने में एक गिलास, तो आप जैसे प्यासी होते थे वो पानी भी पी लेते थे, देखते थे बेचारे गरीब को कपड़ा फटा हुआ है तो एक रुपया दे देते थे, और जिसको प्यास नहीं लगती थी सेठ पैसा वाले वो बोलते इधर आओ पानी ठंडा है गरम, साहब ठंडा है, अच्छा कितने में देते हो, आठाने में, पचास पैसे में, पचास पैनी में, अच्छा पच्चीस पैनी में देना, साहब गरीब है देखो दूर से आते हैं, मेरी बहन है मेरी माँ है मेरा बाप नहीं, इससे मरो जुड़ी नहीं नहीं देते हो, अच्छा सेठ ले लो दो गिलास दोगे, हाँ सर लो ठंडा है, फिर वो गर्म हो जाता है, बोले तेरे को प्यास नहीं लगी, माथा भी खाता है प्यास लगती हो पूछता है, इसलिए जिसको कथा की प्यास होगी वो कहीं भी ढूंढ लेगा, शंकर भगवान जब पार्वती माँ कथा नहीं सुनती तो स्वयं शंकर हंस का रूप लेकर जाता है, कहाँ मान सरोवर, कहा एक कौवा कथा कर रहा है, वहां कोई मनुष्य नहीं जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा, कालभूषणी महाराज कथा करते हैं, देवता लोग पशु पक्षी बनकर जाते हैं, मनुष्य तो नहीं जाता है, तो शिवजी भी वहां हंस बनकर जाते हैं, ऐसा लिखा है, कथा सुनते हैं, और कौवा कहता है हे पक्ष, तो फिर कथा का यजमान कौन है,
पक्षियों का राजा, कौन पक्षियों का राजा? गरुड़। वो अजमान है और वो सुनता है, और यहाँ तुलभय अजमान है अकेला। तो अगर इसको साथ मिल जाए तो पता नहीं रौनक क्या। हमको बड़ा दुख है कि आप लोग जब नहीं आएंगे तो अभी से बच्चे नहीं आ रहे, मंदिर का क्या होगा? आज बड़े बड़े चर्च बंद है, बड़े बड़े मंदिरों बंद है, और इतना सुंदर मंदिर देखो, ऐसा लगता है कभी माता रानी बोलेगी, ऐसा लगता है राधा कृष्ण में तो कल आरती हूँ कर रहा था, मुझे लग रहा था माँ हंस रही है, ऐसा सुंदर। और देखो कोई है, बस आप है गिने चुने, वो भी आपको टाइम है। इसलिए लोग कहते हैं टाइम नहीं, अरे भैया मरने का भी टाइम नहीं, निकालना पड़ता है। जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ समय निकालो और प्रेम करो भगवान से साहब। या मरने का टाइम नहीं है, निकालना पड़ता है। यमराज आएंगे तो सर नहीं कह सकते आज पड़ोसी को ले जाओ कल आना, बोले तेरे को ले आए भाई। इसलिए भजले हरि को एक दिन को है जाना, भजले हरि को एक दिन को है जाना, भजले हरि को जीवन अपना सफल।
सुना रहे थे, मां सो गई और मैं जाग गया, आज तेरे सामने बैठा हूं। राजा तू 7 दिन का मेहमान है, हर व्यक्ति का 7वां दिन फाइनल है भाई, कोई शुक्रवार को जाएगा, कोई शनिवार को, कोई रविवार को, कोई सोमवार को, मंगलवार, हमारा जीवन 7 दिन फाइनल है, कोई ना कोई बात हमारा लिखा हुआ है, ये हंसने की बात नहीं है साहब, गाल पे तमाचा मार के रोने की बात है। हे राजा तेरा 7वें दिन में मौत होगी, तो भाग्यशाली है जिसने तुमको साफ दिया, कम से कम पता तो चला कि 7वें दिन में मरूंगा, ये सब मरने वाले हैं, पर किसी को पता नहीं कि कब मरेंगे, इसलिए आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, तुमको मरना पड़ेगा, जो जन्मा है वो मरेगा, इसलिए 7 दिन तेरे पास है, 7 दिन मेरे पास बैठ के कथा सुन ले, मैं तुमको बचा तो नहीं सकता हूं पर मरने से पहले भगवान को मिला सकता हूं। जितने भी कथाकार है उनका उद्धार नहीं हुआ, सुनने वाले का ही उद्धार हुआ है, इसलिए आप बहुत भाग्यशाली है साहब, इसलिए सुखदेव जी ने श्रीमद भागवत जी कथा जब गंगा किनारे सुना रहे थे तो देवता लोग अमृत लेकर आए और कहा इस राजा को अमृत पिला दो, ये अमर बन जाएगा और ये कथा हमको सुनाओ। सुखदेव जी हंसने लगे, कहां काच और कहां कंचन, देखो मेरे भाई देवता को भी भाग में कथा सुनने का नहीं मिला, देवता वापस लौट गए, अमृत लेकर आए, राजा को पूछा सुखदेव ने, बोल राजा अमृत पीना है या कथा अमृत पीना है। सुखदेव जी ने कहा ये अमृत पीने से क्या होगा, बोले तू अमर बन जाएगा, और ये सुनने से क्या होगा, तू तो अमर बनेगा और तेरे माँ बाप तेरे पितृ सबका उद्धार होगा, ये जो कथा में बैठे हो ना अगर ध्यान से सुनोगे ना आपका तो कल्याण होगा, आपके पितरों का भी कल्याण होगा, जो भी इस कथा को सुनते हैं उनके पितृ नाचते हैं ऊपर, आज हमारा बेटा कथा सुन रहा है उसका पुण्य हमें मिलेगा, और जो देवता हमको त्रास देते हैं वो हाथ जोड़ेंगे, क्या तुम्हारे बच्चों ने कथा सुनी उसका बहुत पुण्य, बोलो क्या खाना है, हम क्या सेवा करेंगे, देवता कहते हैं साहब, ऐसा भागवत में लिखा है आप पढ़िए। सुखदेव जी ने उस कथा को परिषद को सुनाया और देवता रोते रोते वापस गए, अमृत लेकर आए थे साहब, ऐसा भागवत में लिखा है, और जब सुखदेव जी कथा सुनाने लग गए तो भगवान व्यास नाचने लग गए, कौन, सुखदेव का बाप व्यास, कि मेरा बेटा कथा तो मैंने लिखा पर ऐसा मैं बोल नहीं सका, अरे व्यास नाचने लगे, उसका पितृ था पाराशर, वो नाचने लगा, कौन, सुखदेव, सुखदेव जी का दादा, अरे पाराशर नहीं उसके पितृ नाचने लगे, शक्ति पाराशर का भी बाप, और शक्ति का बाप वशिष्ठ दौड़ कर आए, कौन, ब्रह्मा का पुत्र राम का गुरु परदादा माने पितृ भी नाचते हैं जब आप कथा सुनते, आप भले बैठे, कहते हैं तीर्थों में नाओ तो तीर्थों का पुण्य मिलेगा पर कथा सुनो तो सब तीर्थों का पुण्य मिलता है, ऐसा लिखा है, अब तीर्थों में ना जा सको कथा प्रेम से सुनो तो तीर्थ का फल मिलता है। गोपिया कहती है तब कथा वृतम, हे कृष्ण ये कथा तुम्हारी अमृत है, जो सुनता है वो कथा अमृत है, हमारे देश में 3 अमृत है, एक गाय का दूध अमृत, एक कथा अमृत, एक माँ का दूध, ये 3 अमृत माना है, इसलिए जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है वो संस्कारी होता है, उनको कोई रोग लागू नहीं पड़ता, वो संस्कारी धार्मिक धर्मात्मा होते हैं, इसलिए माँ का दूध की, वो अभागी है जिस बच्चे को माँ का दूध नहीं मिला, वो भाग्यशाली है जिसको माँ का, हमको हमारी माँ ने कभी बॉटल का दूध नहीं पिलाया, माँ का ही दूध पिया, जिसने माँ का दूध पिया होगा वो कभी नहीं बोला आजा तेरी माँ का दूध पिया है, बॉटल का दूध पीता वो बोलता अपनी माँ को बोल हिसाब कर कितना दूध पिलाया, क्योंकि बॉटल का पिया है, जिसने माँ का दूध पिया वो कभी भी अपने माँ बाप को नहीं ठुकराएगा, जिसने माँ बाप का दूध पिया है वो धार्मिक बच्चे होंगे, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। हे उद्धव मेरी माँ ने मुझे बहुत दूध पिलाया, यशोदा ने, मैंने देवकी का दूध नहीं पिया, मैंने यशोदा का दूध पिया, गाय का दूध पिया, इसलिए
दुनिया मुझे भगवान कहती। तीसरा, गुरु के चरणों में बैठकर इस कथा का दूध पिया। भगवान कृष्ण उज्जैन में गए, हर दिन कथा सुनते थे। भगवान राम अपने गुरु के आश्रम में गए, हर दिन कथा सुनते थे, रामायण पढ़िए। और कैलाश में क्या होता है, कथा ही होती है। भगवान शंकर सुनाते माँ पार्वती को, माँ बैठी बैठी कथा सुनती है और उनकी आंखों में आंसू की धारा बहती है। भगवान कहते क्यों रो रही, बोलते इतना आनंद आ रहा है। बस भगवान की कथा सुनते सुनते आपके आंखों में आंसू आ जाए, भगवान के भजन करते करते आंखों में आंसू आ जाए, भगवान की सेवा करते करते अगर आंखों में आंसू आ जाए, मानना आपकी भक्ति भगवान तक पहुंच गई। क्योंकि राम कहते गद गद गिरा नयन बहे नीरा, जो मेरा भक्त होता है वो मेरे लिए नाचता है, मेरे लिए रोता है, मैं उनके पीछे पीछे घूमता हूँ कि कब उसके चरण की रज मुझे मिल जाए। भगवान भी कहते हैं, इसलिए भगवान की भक्ति जो करता है उसमें अभिमान नहीं होता है। भगवान कहते मैं योग से योगा से वश में नहीं होता हूँ, मैं भक्ति के वश में होता हूँ। मैं उसको योगी मानता हूँ जो रात दिन मेरा भजन करता है, हलते चलते खाते, वो परम योगी है। इसलिए योगा अलग है, योग अलग। योग माने भगवान तक पहुंचने का, योगा करना। हम तो जीवन में कभी किया नहीं, हमको पता नहीं है। हम करने गए तो हमारे गुरुजी ने कहा भजन करो, भजन करते आप करो, क्योंकि योग के गुरु कोई नहीं हो सकते, योगा गुरु हो सकता है। योग का गुरु तो परमात्मा, इसलिए भगवान कृष्ण को योगी कहा है। भगवान कृष्ण 16,108 रानी का पति है, 11,11 लड़के का बाप है, 182,370 बाप का बेटे का बाप है, फिर भी भगवान योगी कहलाया। सब गोपियां भगवान की पटरानियां, भगवान कृष्ण के गुरु आए थे। आपको पता है कृष्ण का गुरु कौन है? सांडिपनी नहीं है, गर्गाचार्य नहीं, कौन है? दुर्वासा ऋषि, शंकर का अवतार। सब गोपियां भगवान की पटरानी गई यमुना के उस पार, भगवान के गुरु दुर्वासा को भोजन कराया, सारा भोजन खा गए। बोलते बाबा कब जन्म है, इतना सारा खा गए। और जब खिला के आई तो यमुना महारानी दो किनारे जा रही है, क्योंकि बारिश का टाइम था। अब दुर्वासा के पास आए, गुरुदेव हम तो आपको भोजन कराने आए, हमने कैसे पार उतरेंगे? तो दुर्वासा कहते हैं कि जाओ यमुना जी को बोलो कि दुर्वासा सदा अपवासी हो। तो यमुना जी रास्ता दे दो दे दिया। वो कहती बाबा इतना खा गए और कहते हैं अपवासी, और फिर वापस गई और कहा महाराज यमुना तो वापस आ गई। बोले जाओ कहो अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है, योगी है, योगेश्वर है तो रास्ता दे दो। दे दिया साहब, कृष्ण योगेश्वर है और भगवान कृष्ण योगी है। दो बेटे का बाप फिर भी भगवान शंकर योगी है। शिव जी का गणपति ना बेटा है ना कार्तव स्वामी, गणपति को ना पार्वती ने जन्म दिया है ना कार्तव स्वामी हो, फिर भी सारी दुनिया कहती है गणपति किसका बेटा है भाई? शंकर भगवान का, पार्वती का। कार्तिक स्वामी किसका बेटा? गणपति पार्वती का। और आप के घर बेटा नहीं है, बेटा गोद में लो कितना भी बड़ा करो फिर भी दुनिया कहेगी उसका थोड़ी मांग के लाई है। भगवान को नहीं कह सकता है, क्यों? उसने सेवा की। भगवान शंकर पार्वती का विवाह हुआ, पहला बेटा कार्तिक स्वामी जन्मा, उसने तारकासुर को मारा, देवता लोग ले गए। माँ पार्वती रोने लगी, भगवान ने कहा क्यों रोती है? दुनिया को काम आ गया ना तुम्हारा बेटा, देश को काम आ गया, देश की सरहद को काम आ गया, वो माँ भाग्यशाली है। फिर दूसरा बेटा गणपति प्रकट हुआ, गणपति को माँ ने प्रकट किया। अब दोनों बेटे बड़े हो गए, शंकर भगवान कहते हैं पार्वती को देवी अब बच्चे बड़े होंगे शादी करना चाहिए। वो दोनों सुन गई, दोनों वास में आए। गणपति कहता है मेरी पहले शादी करो, कार्तिक स्वामी कहते हैं पहले शादी मेरी करो, सब शादी करने को तैयार होते, बाद में सब रोते ही है। आपका अनुभव है ना भाई, आप तो कम से कम यहाँ हंसते हो, हमारे भारत में तो हंसते भी नहीं है। कोई जॉक्स बोलता है तो अपनी घरवाली को बोले थोड़ा हंस लू, ऑर्डर हो तो ही हंस सकते हैं, कम से कम हंस तो सकते हो लक्ष्मी बहन की हाजरी में, वहां तो हंस भी नहीं सकते, ऐसा पूछना पड़ता मैं हंसू। इसलिए दोनों भाई कहते हैं मेरी शादी करो, वो कहते हैं मेरी शादी करो। तो माता पिता ने बीच वाला रास्ता निकाला है, क्या निकाला? जो धरती के पूरी परिक्रमा करके आएगा जो पहले उसकी शादी होगी। कार्तव स्वामी तो मोर पर बैठ के चल दिए, ये शिवपुराण की कथा है। हाँ आज नवमी है, नवरात्रि का ये नवरात्रि चल रही है, आज भगवती का अंतिम दिन था, हवन किया हमने किसके, वो माई के घर।
आज का हवन, आज का पूजन, आज का अनुष्ठान, आज का भजन बहुत फल देता है, क्योंकि आज कामरू देश में भगवती की बहुत बड़ी पूजा होती है आज। और ब्रह्म कहाँ कहते हैं, आज पतुल भाई कहते हैं ब्रह्म ने कहा हमें गीता भवन के हवन है, हवन की बहुत महिमा है सब। कृष्ण कहता जो हवन नहीं करता, जो पूर्ण नहीं करता, जो दान नहीं करता, वो जीते भी दुखी और मरने के बाद भी दुखी है। इसलिए कृष्ण कहता है थोड़ा कुछ किया हुआ धर्म बहुत बड़े भय से बचा देता है। सबसे बड़ा भय क्या है? मौत। और मौत से भी बड़ा भय क्या है? रोग। मर जाना, सब खटिए में पड़े रहना, खटिए में सब कुछ होना, तो घर वाले कहते हैं परमात्मा भी उठा ले। अरे जिस माता पिता ने तुमको पाला भगवान उठा लो, क्यों? सेवा करना पड़ता है। अरे हमारे मरने की दुआ मांगते हैं दुनिया, इसलिए सबसे बड़ा रोग है मौत, उससे बड़ा रोग है रिबाना, मर जाना। अच्छा अरे अर्जुन थोड़ा बहुत किया हुआ धर्म बहुत बड़े भय से बचा देता। कल उस बेटी ने कहा, क्योंकि बचपन से कथा सुनती है 24 घंटा यूट्यूब में हमारी कथा सुनती है और किसी के नहीं, और उनको भाव है, संस्कार है माँ बाप का। तो भगवान कहते थोड़ा कुछ किया हुआ धर्म, धर्म क्या है? दान। और दान भी सुपात्र को दिया जाता, कुपात्र को नहीं। कृष्ण गीता में मना करता है, पढ़िएगा 18वां अध्याय, ये गीता है छोटा शास्त्र, इसमें शिव पुराण रामायण महाभारत 18 पुराणों का शास्त्र का सार है। इसमें गीता में कहता है कि दान सुपात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं। हाँ किसी को रोटी खिला दो कोई पाप नहीं है, किसी को दवा दे दो कोई पाप नहीं है, किसी को कपड़े दे दो कोई पाप नहीं, पर जब दान की बात आती है तो दान सुपात्र को दिया जाता है। कसाई को गाय का दान करोगे क्या होगा भाई? कसाई को गाय का दान कर सकते हैं? क्या करेगा? मार के खा जाएगा। तो दान सुपात्र होता है वो कृष्ण कहता है। इसलिए दान देख कर कहना देना कि हमारा धन का उपयोग होता है कि नहीं। देखो भैया हम दान नहीं करते, आप दान करते हैं उसका हम सदुपयोग करते हैं, हम दान नहीं कर सकते। दान तो आप करते हैं, हम उसका सदुपयोग करते हैं। ये बच्ची चैरिटी में डालती है, देती नहीं, अपना खुद का खर्चा करती है, कोई पैसा वाली नहीं है, भगवान ने दिया है गौ माता के लिए, इतनी इसने जमीन दिया तब बोलती है। पहले देना पड़ता फिर मांगना होता है, खाली मांगना मांगना नहीं, पहले दो फिर मांगो, ये नियम है संसार का। भगवान कहते हैं पहले कुछ दे फिर मेरे से ले। हाँ तो कहते हैं भगवान हमको, श्रावण महीना आता ना हमारे भारत में तो क्या करते हैं, केले की लाली लगी रहती है मंदिरों में, समर्जन की या पल की, तो बूढ़े बूढ़े लोग आते ये केला कितने का है? एक केला है 20 रुपये का। क्यों? ये केला महंगा है। ये कितने का है? 10 रुपये का। ये 5 रुपये का। क्यों? ये मंदिर में चढ़ाने का। वही केला सस्ता में सस्ता भगवान को चढ़ा दी, फिर बोलती है भगवान हमको मेरे छोकरे के घर पोता देना, बेटा देना। फिर बेटा भी होता है कैसा? लूला पड़ला पतला पतला। फिर भगवान को बोलती है आपने मुझे बेटा ऐसा दिया, भगवान बोलते तुमने केला मुझे दिया या मैंने बेटा दिया? तुमने जो भी दिया ये हाथ से दो, ये हाथ से दो, ईश्वर का नियम है। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान, अरे कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना, कर्म अच्छा करेगा वो फल पाएगा, बुरा कर्म करेगा वो पछताएगा, बुरा कर्म करेगा वो पछताएगा। कर्म अच्छा करेगा वो फल पाएगा, बुरा कर्म करेगा वो पछताएगा, बुरा कर्म करेगा वो पछताएगा। अरे पाप करे और सुचा है कैसा तू बेईमान, अरे पाप करे और सुचा है कैसा तू नादान, अरे जैसा कर्म करेगा वैसा फल।
कर्म प्रधान विश्व कर राखा श्री राम जय करना है और पाप का फल नहीं चाहिए ऐसा भी नहीं हो सकता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं दान यज्ञ और व्रत कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये अर्जुन वो इंसान को पावन करता है ऐसा गीता में कृष्ण कहते हैं। सब गीता पढ़िएगा, गीता सब शास्त्रों का सार है। गीता माने भगवान की वाणी। भगवान कृष्ण को धरती ने पूछा ये सारे संसार का पालन कैसे करते हैं, तो भगवान कृष्ण कहते मैं पहले गीता का पाठ करता हूं फिर संसार का पालन करता हूं। ध्रुवाच, ध्रुव माने धरती बोले, हे परमात्मा यथाशक्ति पालन किम करोति। भगवान कृष्ण वाच गीता में वचम घर, गीता मेरा घर है। गीता पाठम पालितम सर्व जगत, मैं गीता का पाठ करके जगत का पालन करता हूं। मैं 45 वर्ष से करता हूं डेली, मुझे गीता का पाठ करता। मैं जिसके घर में रहता हूं, मेरे गुरु कहते थे गृहस्थ घर में जल्दी रहना नहीं, रहना है तो पाठ करना पूजा करना उसको पुण्य देना। इसलिए हम रोटी फोकट में नहीं खाई जाती साहब, आप जैसे मेहनत करते हैं हम भी मेहनत करते हैं। जिसके घर में रहते हैं वहां पाठ पूजा करते 3 घंटा, फिर माला करते, फिर कहते हैं ये घर को अर्पण हो जिसके हमने रोटी खाई साहब। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं चलो कोई संत के पास चले कथा सुनने। माने कहा नहीं चलो लंदन घूमने चलते हैं, क्यों लोग लंदन में जल्दी भाग जाते हैं। भारत में सब बच्चों को ऐसा है बस लंदन बहुत पैसा है, फिर पता चलता है कि पैसा यानी मेहनत करना पड़ता। अगर जितना भारत के आगे लोग यहाँ मेहनत करते इतना अगर भारत में करे तो यहाँ सब यहाँ के लोग वहां रिक्शा चलाने आ जाए, पर वहां किसी को मेहनत नहीं करते, यहाँ करते हैं। वहां तो सुबह काम में निकलेंगे कोई मित्र मिल गया गप्पा मारने लग जाएंगे, चाय पीने बैठ जाएंगे, नाश्ता करने लग जाएंगे, काम पे जाते हैं क्या, कोई कहने वाला नहीं है। वहां किसी को समय की कदर नहीं, यहाँ क्या कहते हैं टाइम इज, मैं भूल जाता हूँ भाई यार कीमत है, वहां कोई कीमत नहीं। और जाएगा तो काम करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता हो आहिस्ता आहिस्ता, वहां भी फोन करते करते फिर 5 बजेगा जल्दी जल्दी भागेगा जैसे सांप के पीछे कुत्ता ना पड़ा। और यहाँ टाइम इज मनी, यहाँ कलाक का पैसा है, यहाँ लोग समय की किधर, आप लोगों ने कम मेहनत करी है, है? ऐसे वहां के लोगों क्या है लंदन वाले पैसा वाले बहुत है। वहां लंदन वाले को देखते हो एयरपोर्ट में भी सब जगह है लंदन से इतना परेशान करते हैं। मेरे को भी मैं गया कोरोना में था तो 8 महीना रहना पड़ा बैद्यनाथ, नहीं गया। अभी गया तो बोले महाराज किधर से आ रहे हो, मैंने लंदन से। अच्छा सा प्रसाद दो,
तो मैंने बोला प्रसाद मेरे सूटकेस पे बादाम पड़ दिया, बोले वो नहीं, बोले वो प्रसाद। फिर मैं इतना जोर से बोला, मैंने ओ मैं समझा मैं भिखारी हूँ, मैं तो भीख मांगने गया, हमसे भिखार दिया। बोले नहीं नहीं दादा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए दादा। फिर चिल्लाने लग गया, ये लोग आते हैं इतना परेशान करते, जो भी जाए आप दिल्ली उतर पता चलेगा। मगर पता नहीं है क्या मेहनत का पैसा है। वहां एक आदमी खाता तो दस आदमी, एक आदमी कमाता और दस खाते, बस भाई बेचारा काम पे जाएंगे, पड़ोसी के घर बस लगिए। तेरी मेरी यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सबको काम करना पड़ता है, वहां ऐसा नहीं। इसलिए भारत भारत है, विश्व का गुरु है, धर्म का देश है, भगवान के जन्म, पर लोग कुछ अपने आप को भूल चुके, अपनी ईमानदारी, अपनी फर्ज, अपने धर्म। आपको कोई पूछे नहीं तुम्हारा धर्म क्या है, तो कहना फर्ज वही धर्म है। आप यहां से दरली से कोटलैंड जाना है, रात में बस में जाओगे, सब सो जाते, बस वाला सोता है और वो सो जाए तो राम बोलो गया। एक आदमी गया, वो पीछे बैठा था, कांति भाई जैसा था, नींद नहीं आती थी, वो ड्राइवर को बोलता तू भी सो जा नहीं थोड़ी देर सो जा। वो कहता भैया आप बैठो, वो सब सोए, मैंने उछला, मैंने बोले नहीं तो सो जा। बोले मैं नहीं सोता, क्यों मेरा फर्ज है। वो आपको सारी रात गाड़ी चलाएगा, कोटलैंड जाके फिर वो सो जाता है, उसका फर्ज पूरा हो गया। तो ये हम फर्ज माने धर्म, जिसने अपने फर्ज को समझा वो धर्म को समझ गया। धर्म माने समय, जिसके पास समय की कीमत नहीं है वो आदमी नहीं है साहब। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन समय समय का मान है, समय बड़ा बलवान है। जिस व्यक्ति को समय का भान नहीं है, जो आदमी अपने पत्नी को धमकाता है वो आदमी नहीं, वो राक्षस है। इसलिए कथा सुनते हो ध्यान से, आप लोग तो बहुत अच्छे आदमी हो, पर विदेश में भी सुन रहे, जो भी सुन रहे याद रखना, ये जो तुम्हारे घर आई है वो तुम्हारी पत्नी, वो तुम्हारी अर्धांगिनी है, तुम्हारी दासी नहीं है, नौकरानी नहीं, काम वाली नहीं, तुमसे ज्यादा वो काम करती है, नौकरी भी करती है, घर का काम भी करती है। ये पुराना में पता चला हो, पुराना में लोग बैठे बैठे बोलते गोविंद बोलो, हरे गोपाल बोलो, घर वाली बोलती है भोजन करना तो लसन लंगन बोलो, वो कहता है गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, बोले रोटी खाना है तो लसन बोलो लसन बोलो। पता चला कोरोना में आदमी को कि हमसे ज्यादा माता है, ज्यादा काम करती है साहब। और यहाँ भी आप देखते हैं तो नौकरी भी करती है, घर का कहीं आपको भी कहोगे रोटी बना खिला पता चले कैसा होता है। ये तो दो दिन चलता है, इनका तो हर दिन का काम है, रसोई बना के खिलना बड़ा कठिन है साहब। ये मैं नहीं कहता हूँ, अन्नपूर्णा कहती है अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल भी ज्ञान वाला सिद्धियते भिक्षां देहि माँ पार्वती। इसलिए जो व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी को, अपनी पत्नी को जो धमकाता है, डांटता है, उसे अच्छा व्यवहार नहीं करता, सबके सामने बेइज्जती करता है, वो दूसरे दिन पक्षी बनता है, कौवा कौवा, झूठ बोले कौवा काटे। इसलिए कथा सुनना, भगवान शंकर ने जगदम्बा को कितना मान दिया, पोते नीचे बैठे और माँ को ऊपर बिठाया, भगवान राम ने माँ को कितना प्यार दिया, देखो राधा रानी को। इसलिए ये आपको कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी से ऐसा, क्योंकि स्त्री वो धर्म पत्नी है। हमारे देश में माताओं क्या बोलते हैं, धर्म पत्नी, कहीं सुना धर्म पको, उसका तो सब खत्म हो गया, क्या पता होगा। इसलिए धर्म पत्नी कहा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है जो भी सुन रहा है, आप कोई बात होते एकांत में समझाओ, क्योंकि रामायण कहती है, रामायण कहती है क्या बोलती है, समुद्र बोला है, अभी चौपा याद नहीं आ रही है, क्या जी खाया नहीं शाम को खाएंगे, फराल किया, मैं फराल की आदत नहीं और करना पड़ता है, क्योंकि मेरे गुरु जी करते थे। जो आदमी व्रत नहीं करता, व्रत माने उपवास, आठ दिन में एकादशी वार रहना, शनिवार मंगलवार कुछ नहीं तो एकादशी तो करना ही, एकादशी जैसा कोई व्रत नहीं हम करते, इसलिए बोलते सोमवार को बहुत बड़ी एकादशी है साहब, हम लोग करते हैं, और न कर सको तो एकादशी के दिन चावल नहीं खाना। हमारे गुजराती में भगवान शंकर कहते हैं धन्य एकादशी, एकादशी करिए तो वही पुत्र पावे, धन्य एकादशी, धन्य एकादशी, एकादशी करिए तो वही पुत्र पावे। हे मारे हरिद्वार धाम मां जाऊ से, मारे Yeah.
शिव ने कहा बेटे तुम जाओ, तुम्हारा शरीर मोटा है, तुम्हारा वाहन मूसक। बोले जाते हैं, क्यों? तुम्हारी पूजा करना है। गणपति ने भगवान शंकर पार्वती को बिठाया, चरण धोए, आरती की, प्रदक्षिणा करी, सात फेरे लगाए, फिर बोला मेरा विवाह करो। शंकर पार्वती ने कहा भैया हमने पढ़ लिया है कि जो धरती की परिक्रमा करके पहले शादी होगी। बोले मैंने कर ली। बोले कैसे? बोले आपने लिखा है शिव पुराण में कि जो माँ बाप की परिक्रमा करता है उसको पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिलता है। लिखा है कि नहीं? माँ जी बोले लिखा है। तो करो, करना पड़ा शादी। एक नहीं दो बहू आई। भगवान जी गणपति कितनी बहू है? दो। तो कार्तिक स्वामी आए तो नारद जी ने कहा भैया तेरे माँ बाप ने धोखा किया, क्या हुआ? तेरे को फेर दिया परिक्रमा करने, गणपति का विवाह कर दिया। कार्तिक स्वामी को बुरा लगा, दक्षिण भारत में बैठे अभी तक नहीं आए हैं, जिसको बोलते हैं शैल पर्वत पर। फिर शंकर भगवान पार्वती में हर पूर्णिमा को जाते हैं वहां। और कार्तिक स्वामी ने कहा आप यहाँ ज्योतिर्लिंग में बैठाओ, मैं आपकी हर दिन पूजा करूं। तो भगवान शिव पार्वती ने तथास्तु कहा, नाम पड़ गया। बोलिए मल्लिकार्जुन महादेव की जय। मल्लिका माने पार्वती, अर्जुन माने भगवान शंकर। तो गणपति का विवाह की मैंने कथा प्रॉप में सुनाई, अभी कथा हम कल करेंगे। अतुल भाई से प्रार्थना, दो मिनट बोले बहन, दो मिनट बोले, बाद में आपको भजन गाना है तो गा सकते हो। फिर थाल बोल, थाल तो हो गया, आरती करके सब प्रसाद लेके जाएंगे। अब कल का दिन अंतिम है, कल मुझे कृष्ण जन्म और शिव पार्वती का विवाह का कथा है। हो सके तो आप 4 बजे 4:30 बजे आ जाना, कल इतवार है, आगे आपकी इच्छा। हमको तो दो आए तो भी कथा करना है, कोई नहीं आए तो भी करना है, क्योंकि हमारा अनुष्ठान, हमको बंद नहीं कर सकते है ना साहब। आप नहीं आओगे तो कथा तो होगी, आओगे तो आनंद आएगा, क्योंकि कथा अकेले में नहीं हो सकती, आप बैठे हो तो कथा होगी। और कहने वाले से सुनने वाले को फायदा है, और जिसने कथा सुनी उसका उद्धार हुआ है, कथा करने वाले का उद्धार नहीं हुआ, कहीं नहीं लिखा साहब। इसलिए मेरी प्रार्थना है कल अंतिम दिन है, कल हम कृष्ण जन्म करेंगे, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है। ये श्रावण महीना 30 से 30 दिन व्रत का है, एक एक दिन, मेरे पास समय नहीं है, मैं तो आपको बताता, पूरा महीना व्रत है। श्रावण महीने जैसा कोई महीना नहीं है। इसमें भगवान शिव का अवतरण, भगवान कृष्ण का जन्मदिन, भगवान राम का अवतरण, शिव जी ने इसी टाइम में समुद्र मंथन हुआ था, इसी टाइम में जहर पिया था, इसी महीने में विवाह हुए थे, इसी महीने में भगवान शंकर ससुराल में गए थे। इसमें रामधन षड, शीतला श्राद्धम, आठम, नवम, एक एक व्रत ऐसा है जिसका कथा करने में 10 दिन लगता है। आप तो 3 दिन में हो गए, 1 घंटे में कथा कैसे पूरी हो? तो भी मेरी टूटी फूटी भाषा में भगवान को और आपको खुश करने की कोशिश से अपनी वाणी द्वारा इस कथा का गुणगान गाता हूँ, जो मैंने अपने गुरु से सुना है। तो आज की कथा अविराम लेती है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अब तो भोजन का समय है, जय जोर से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। कर्तव्य अम्बे माता की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देवी शंकर भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। गुरुवाय सब संतो ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे मालूम है कि हम बहुत ज्यादा नहीं आ पा रहे हैं, उम्मीद है कि शायद कल वहां पे भी पूर्णाहुति हो जाएगी दोपहर तक,
और शायद ऑनलाइन मंदिर में उसकी बात कर रहा हूँ, तो शायद थोड़े से नंबर और हों और उम्मीद ही कर सकते हैं। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग आए, आपने अपना समय निकाला है, तो हम अपने पुण्य के लिए करते हैं जो भी हम करते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी आपको प्रणाम। मैं आपसे बोलता हूँ प्रियंका जी, आप कुछ कहेंगे? जयकारा शेरावाली का। पहले तो मेरे सदगुरुदेव के चरणों में मेरा करोड़ों करोड़ों बार प्रणाम, और जगदम्बा के साथ उपस्थित सर्व देवी देवता को मेरा प्रणाम। आप सबको जय श्री कृष्णा, जय माता जी, जय सियाराम। आज दूसरा दिन है कथा का, कंथेरिया धाम मारुति चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन 1187595 में आप सब आए सुनने के लिए कथा। आपके आभारी है, आशा है कि आप सबको भी जितने हमें कथा का आनंद मिला सुनने में, और जितना हमने गुरुजी ने जितना समझाया हमें, वो थोड़ा सा हम अपने जीवन में उतारते तो हम भी कुछ सत्कर्म कर सकते हैं। आज मैं थोड़ा चैरिटी का बताती हूँ, हम जैसे दो मिनट में, क्योंकि सबको भूख भी लगी होगी, सबको आरती भी करनी है। और तो हमारा गौशाला चलता है, अन्न क्षेत्र चलता है, और वृद्ध के लिए आश्रम बनाना है, और अनाथ बच्चे के लिए आश्रम बनाना। वैसे तो कोई अनाथ नहीं है, सबके माता पिता भगवान है, गुरुजी है, लेकिन वो बच्चे को हम सुरक्षित रखते हैं, ताकि क्योंकि गुजरात में अभी गैंग्स की बहुत तकलीफ चल रही है, वो लोग बच्चे को ले जाके किडनीज निकाल के मार डालते हैं, फेंक देते हैं, इसलिए हम सुरक्षित रखते हैं, उनको कपड़े देते हैं, कोई कोई होता है बेचारा कपड़े के बिना भी होता है, हम भोजन भी खिलाते हैं, स्टेशनरी भी देते हैं। हमारी इच्छा है कि एक स्कूल बने और उसके साथ गुरुकुल भी, तो दोनों से स्कूल का भी, स्कूल में वो एजुकेशन दिलवाएंगे हम, और गुरुकुल में जो आध्यात्मिक ज्ञान सदगुरु देव देंगे और सदगुरु देव के शिष्य भी है वो भी देंगे। आप सबका सहयोग चाहिए, आपका साथ चाहिए, क्योंकि मैं अकेली नहीं कर सकती, हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए आपको विनती है कि आप हमारा साथ दें। और जैसे गुरुजी समझाते, और कल भी मैंने बोला था कि आपके पास हम क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि हम अपने लिए नहीं मांग रहे, मैं इसमें से एक पैनी भी नहीं लूंगी, ये पैसा जो आप दान देंगे वो 100% पास होके भारत जाएगा, फिर हम जाएंगे, फिर ही वो पैसे निकाल कर हम उसका जो करना है वो करेंगे। आपको भूमि दान देना है तो भी आप दे सकते हैं, गौशाला के लिए दे सकते हैं, एक दिन घास का चारा भी दे सकते हैं, एक दिन अन्न क्षेत्र का, हमारा संतों का भंडारा भी चलता है, उसके लिए भी दे सकते हैं, अपने पितरों के नाम से, अपने खुद के नाम से, आपका जन्मदिन हो, ऐसा कुछ हो तो भी आप दे सकते हैं। क्योंकि हम कितने साल पहले अचानक से गए थे, और गुरुजी की सेवा जो आश्रमों में होती है, गौशाला में होती है, कुत्तों का भी अक्षत्र रखता है, कुत्तों को भी हम रोटी और दूध देते हैं, तो वो देख के मुझे जैसे एक ऐसा भास हुआ कि नहीं, यहाँ पे ही देना चाहिए, क्योंकि कई जगह पे हम पहले देते थे, वहां गए कुछ नहीं होता था, गुरुजी जब पहली बार आए तो विश्वास हो गया कि नहीं, ऐसे ही संत के पास, महापुरुष के पास देना चाहिए, क्योंकि वो सब उपयोग करते हैं, वो लोग, हम अपने YouTube चैनल में, हमारे Facebook चलता है, YouTube चलता है, आप देख सकते हैं, आप आ भी सकते हैं, आप सबको आमंत्रण है, आप आओ हमारे संस्था में, गुरुजी के संस्था में आप सबका स्वागत है। आपको हाँ भोजन करना पड़ेगा, प्रसाद लेना पड़ेगा, भोजन नहीं प्रसाद लेना पड़ेगा, और आप देख सकेंगे कि हम क्या क्या करते हैं। गुरुजी खुद इतने बड़े महाज्ञानी संत होके भी इतनी सेवा कर रहे हैं, तो हमारा भी धर्म होता है, जो भी हम थोड़ा सा दे सकते हैं। मैं आपसे हजारों पाउंड नहीं मांग रही हूँ,
क्योंकि मुझे पता है, लेकिन जो भी आप दिल से देना चाहते हैं मैं दिल से मांग रही हूँ, अपने लिए नहीं, इसमें से गुरु जी को भी एक रुपया नहीं मिलेगा, मुझे भी नहीं, हम सीधा चैरिटी में डालते हैं। यूके रजिस्टर्ड चैरिटी है हमारी, यूके रजिस्टर्ड चैरिटी पसार होके हम होल्डिंग अकाउंट में डालते हैं, ताकि हम सही करके सब कुछ देख के चेकिंग करके देते हैं, और हमें सरकार को भी बताना पड़ता है कि ये आया है ये आया है। हम आपको रिसीट भी दे सकते हैं, अगर आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो मेरे पास आएगा, मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी, हमारा कार्ड भी, हम रिसीट भी देंगे आपको। और अगर आप यूके टैक्स पेयर हैं तो आप गिफ्टेड भी टिक कर सकते हैं, तो सरकार की तरफ से थोड़ा सा और मिलेगा, तो हम ज्यादा कर सकते हैं। ज्यादा ना बोलते हुए, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो बोलने में तो अपनी बेटी समझ कर मुझे क्षमा कर देना। बोलिए जगदम्बे अम्बे हाथ की जय। आइए आरती करते हैं। कल कोशिश करें अपने साथ एक आदमी को और लेके आए, कम से कम यही एक बड़ा जरूरत है आज के समय। आइए सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। Yeah.
संसार सारा बुझ गया।
सारी के शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् जयकारा सेनावाली का बोल सच्चे दरबार धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो